अच्छा यार, लास्ट क्लास में हमने जो जावास्क्रिप्ट जहाँ पर छोड़ी थी वो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले ना एक चीज़ रह गई थी सीएसएस वाली, जो मुझे एक दोस्त ने याद दिलाया लास्ट क्लास में। तो वो चीज़ ये थी कि टेम्पलेट्स पे कैसे काम किया जाता है। अच्छा, हमने अभी तक जो वेबसाइट बनाई है, हम HTML CSS हाथ से लिखते थे और हमें पता होता था कि हमें किस तरह की वेबसाइट बनानी है, एक टास्क होता था हमारे पास। अच्छा, एक ऑप्शन और भी होता है आपके पास। मिसाल के तौर पे कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मैंने ना अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, वो आगे कहते हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है मेरा, उसकी वेबसाइट आप बना दें। अच्छा, या कोई आगे कहता है कि मेरा ट्रक का बिज़नेस है, ट्रक से जो है वो मैं सामान पहुँचाता हूँ, लाना ले जाना करता हूँ, उसका बिज़नेस है मेरा, तो आप मेरी वेबसाइट बना दो, उसमें ट्रक की फ़ोटो हो, थोड़ा मेरा नाम लिखा हुआ प्रोडक्ट का मेरी, और कुछ पैसे वैसे लिखे हुए हों, क्या किलोमीटर का हिसाब है, इस तरह के छोटे मोटे। अच्छा, तो ऐसी वाली वेबसाइट के लिए अब उसके पास बजट भी कम है, वो बोल रहा है कि यार मुझे ना ये वेबसाइट मैं तो नहीं दे सकता आपको जो आप कह रहे हो पैसे, बजट उसका कम है। अच्छा, कम बजट का मतलब है कि 20-25 हज़ार में चाह रहा है कि वेबसाइट बन जाए। तो उस सूरत में आप ये करेंगे कि आप टेम्पलेट्स का सहारा लेंगे। इंटरनेट पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से लोगों ने बना के रखे हैं, आप उनको जस्ट डाउनलोड करेंगे और उसको मॉडिफाई करके आप उसकी वेबसाइट तैयार कर देंगे। अच्छा, क्या लिखना है आपको गूगल पे? HTML5 टेम्पलेट्स। अच्छा, हाँ फ्री भी लिख सकते हैं आप। HTML5 मैंने टेम्पलेट्स लिखा तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं कि भाई 10,000 प्लस HTML5 टेम्पलेट्स, और एक ये थीम फॉरेस्ट के नाम से है, ये बड़ा पॉपुलर है। अब तो मैं थीम फॉरेस्ट वाले को ज़रा ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास सामने टेम्पलेट एक आ चुका है। अच्छा, इस टेम्पलेट की जो कीमत है वो $39 है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे का बजट 40,000 है तो ये ख़रीद के आराम से आप उसको इसको एडिट करके, थोड़ा जो आपका एफर्ट्स लगेगी वो शामिल करके 40,000 में ईजिली आप ये बनाकर दे सकते हैं। अच्छा, लाइव प्रीव्यू पे ज़रा मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये है वो वेबसाइट, इस तरह से खुलेगी। ठीक है, ये नीचे इसके कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट है, इसी तरह की होती है ना एक नॉर्मल किस्म की वेबसाइट। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे बेहतरीन किस्म के इन्होंने ना नीचे बना के लगाए हैं सारे। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही HTML5 का टेम्पलेट लिखा तो ये आ गया, लेकिन आप जब भी टेम्पलेट सर्च करेंगे तो जाहिर है किसी ट्रक के बिज़नेस वाले के लिए सर्च करेंगे, या कोई बंदा कह रहा है मेरी हेयर ड्रेसिंग की दुकान है, मुझे हेयर ड्रेसर हूँ मैं और मुझे वेबसाइट चाहिए मेरी। तो अब मैं क्या करूँगा, जाके मैं वापस गूगल पे जाऊँगा बैक, और मैं क्या कहूँगा, हेयर ड्रेसर डबल हो गया। अच्छा, हेयर ड्रेसर जैसे ही मैंने लिखा तो देखें पहला लिंक आया थीम फॉरेस्ट वालों का कि हेयर सलोन HTML वेबसाइट टेम्पलेट, क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे ना मुझे सारे देखो हेयर सलोन वाले वेबसाइट आ रही है, हेयर सलोन वाले टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो सबसे पहला रिजल्ट है, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई आप जो टेम्पलेट है हमारा वो लैपटॉप पे भी खुलता है, मोबाइल पे भी खुलता है और टैबलेट पे भी खुलता है। ये इन्होंने इस तरह करके यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, इसकी कीमत है $15। अच्छा, आमतौर पर ना टेम्पलेट जब आप तलाश करते हैं तो फ्री की तरफ लोग ज़्यादातर जाने की कोशिश करते हैं, फ्री टेम्पलेट, फ्री भी बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है, हज़ारों की तादाद में, लेकिन आमतौर पर फिर होता ही है कि जिस तरह का टेम्पलेट आपको चाहिए होता है वैसा मिल नहीं रहा होता फ्री में। तो कोशिश किया करें कि अगर कोई रियल क्लाइंट है वो पैसे आपको दे रहा है तो फ्री की तरफ जाने की कोशिश ना करें, आप जो पेड है उसमें देखें, अगर फ्री में अच्छा मिल जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आप सर्चिंग में ना लगाएं कि अच्छा यार ये टेम्पलेट आ तो रहा है लेकिन ये पेड आ रहा है तो फ्री में कहाँ से लाऊं। ठीक है, कोशिश करें कि पेड वाले की तरफ ही जाएं और अपना टाइम बचाएं, क्योंकि जहाँ पे भी आपके टाइम और पैसे की बात आती है तो मेरी ये सजेशन है कि
टाइम बचा लेना, पैसे को खर्च कर देना, ठीक है। टाइम आपका जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। तो जहाँ पर भी ऐसा है ना कि अच्छा यार थोड़े पैसे लग रहे हैं और एक जगह पे थोड़ा टाइम लग रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मैं पैसे बचाऊँ या टाइम बचाऊँ, तो मेरी सजेशन वहाँ पर ले लेना कि टाइम बचा लेना, पैसे खर्च कर देना, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे पहला वाला जो इसको ओपन करते हैं ज़रा, इसको ओपन किया मैंने और ये लाइव प्रीव्यू करके, अच्छा नीचे इन्होंने कुछ बताया अभी कि भाई HTML5 इसमें लगा हुआ है, बूटस्ट्रैप लगा हुआ है, CSS जो है वो CSS3 पे हुई हुई है, ठीक है। नीचे इन्होंने कुछ सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या है ये, ठीक है। इन्होंने ये सारे फीचर्स अपने लगाए हुए हैं लिख के, थोड़े स्क्रीन शॉट्स वगैरह। जिस तरह आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, कोई आप मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं वेबसाइट पर, तो बताते हैं ना मोबाइल फ़ोन में ये फ़ीचर हैं, तो ये अपने टेम्पलेट में बता रहे हैं कि भाई ये फ़ीचर है हमारे टेम्पलेट में, ठीक है। अब हम ज़रा टेम्पलेट का लाइव प्रीव्यू करते हैं। ये जनाब टेम्पलेट का ना लाइव प्रीव्यू खुल गया, ब्लैक हेयर नाम है इसका, ठीक है भाई। अच्छा, अब जब मैंने लाइव प्रीव्यू खोला ना, तो इसने मुझसे दो ऑप्शन मुझे दिए हैं। ये कह रहा है भाई हमने ग्रे पे भी बनाया हुआ है और हमने गोल्डन पे भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं गोल्डन वाला खोल लेता हूँ। दो कलर में इन्होंने एक ही टेम्पलेट को बना के रखा हुआ है, हाँ भाई काफ़ी सही वेबसाइट है। यहाँ पे देखो पूरा मेन्यू लगा हुआ है कि कटिंग के कितने हैं, मोच के कितने हैं, खत के कितने हैं, यही होता है ना हमारे यहाँ हेयर ड्रेसर के पास। और वो मसाज 100 वाला भी है, 200 वाला भी है, 500 वाला भी है, और एक ऐसी कटिंग है जिसमें बालों में आग लगा देता है वो 1000 रुपये की है। तो ये आप इस तरह पूरा मेन्यू का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, आप उसको फिल कर दो मेन्यू वाले को। फिर नीचे कलर में जो डाई वगैरह लगाते हैं कलर, उसके क्या प्राइसेस हैं वो लिख दिया आपने कि भाई जो फला हेयर कलर है वो इतने में लग जाता है, फला हेयर कलर इतने में लग जाता है, ऐसे आपने बता दिया। ये डिफरेंट स्टाइलिंग है, क्योंकि कटिंग के अलावा एक स्टाइलिंग भी होती है, जैसे ब्लो ड्राई वगैरह इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है, स्ट्रेटनिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो उसका यहाँ पर आ गया। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए फॉर्म है, आप फॉर्म फिल करो, सबमिट मारो, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया। आमतौर पर हेयर ड्रेसर यही करते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए करवा रहे होते हैं। अब ये कुछ इन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है कि भाई हमने जो है ना ये बाल काटे हैं, हमने पोर्टफोलियो है इनका ये, ठीक है। देखो हेयर ड्रेसर भी पोर्टफोलियो बना के बैठा हुआ है कि मैंने ये बाल पहले काटे हैं, इस तरह के होते हैं। पेंटर के पास भी मैं गया, उसने भी व्हाट्सएप खोल लिया और उसमें पिक्चर दिखा रहा है, ये कह रहा है यार अपना व्हाट्सएप नंबर दे मैं भेज देता हूँ। मैंने जो पहले कलर किया ना फॉल सीलिंग वाला भी मुझे व्हाट्सएप पे अपना पोर्टफोलियो भेज रहा है। तो वेब डेवलपर को भी क्या करना है, पोर्टफोलियो अपना बनाना है, पोर्टफोलियो के बगैर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक इसने यूट्यूब की वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, शो रील करके। अब ये यूट्यूब की वीडियो गायब हो गई है, प्राइवेट हो गई है। लोगों के फीडबैक्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक वेबसाइट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए ना वो सब इसमें मौजूद है, तो सही है ये सलोन के लिए। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा यार मेरी नाई की दुकान है, मैंने अभी नया नया करवाया है, पूरा वॉलपेपर लगवाया है, शीशे की दुकान बनाई है, सही है, ईद आने वाली है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट भी एक बना ही दूँ आपके यहाँ, लेकिन पैसे कितने हैं मेरे पास पैसे मेरे पास भी ना 20,000 हैं। अब 20,000 में उसको अगर ऐसी वेब, अच्छा वो बोलेगा भी आपको, वो कहेगा यार मेरा फला दोस्त है उसने वेबसाइट बनाई है उसकी तो 15 में बन गई। वो यही टेम्पलेट्स होते हैं, आपको वो खोल के दिखाएगा इस तरह की वेबसाइट, आप बोलोगे यार ऐसी वेबसाइट तो मैं $1500 में भी ना बना के दूँ, 1500 पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो नहीं बना के दूँगा, मैं कम से कम इसके 3000 चार्ज करूँगा इस तरह की वेबसाइट अगर मुझे फ्रॉम स्क्रैच बनानी हो तो। लेकिन यहाँ पे ये टेम्पलेट कितने का है, $15 का, $15 कितने मैंने पाकिस्तानी हैं, 1500, अगर 100 रुपये का होता तो 1500 बनते, लेकिन अभी थोड़ा क्योंकि ज़्यादा का है तो शायद थोड़ा 2800 के करीब बनेंगे कुछ।
अभी गूगल बता रहा है कि 2782 बनेंगे, यानी 3000 तो आपके ऑलमोस्ट ये निकल गए, बाकी कितने बजे पीछे 17000 बजे, अगर 20 बजट है उसका तो 17000 उसके बने। तो मेरा ख्याल है 17000 में अगर टैक्स एडिट करना है और उसके अंदर फोटो सिर्फ लगानी है अच्छे तरीके से, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। यार डोमेन तो हाँ, डोमेन भी ख़रीदना है, लेकिन GoDaddy पे डोमेन मिल जाता है 100 रुपये का। हाँ हाँ, अभी खोल के देख लेते हैं। नहीं नहीं, 100 रुपये का मिल जाता है, वो उन्होंने ऑफ़र की भी है ना कि पहली दफ़ा खरीदोगे तो 100 रुपये। अच्छा, मैंने कहा भाई हेयर गो सही है, ये मैंने एक लगाया। अच्छा, ये तो महंगा होगा, हेयर गो ठीक है, क्योंकि 2 वर्ड वाला है, तो मैं 3 वर्ड वाला कर दूंगा, 4 वर्ड वाला कर दूंगा। मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ ना, HYR GO ऐसे करके लिखता हूँ। ये लो 700 रुपये वाला आ गया, ठीक है। अब इसमें अच्छा, अभी तो इन्होंने बढ़ाया भाई, मैं लॉगिन तो नहीं हूँ ना, हाँ लॉगिन नहीं हूँ। या मैं ऐसे ही कोई रैंडम कैरेक्टर्स लिखता हूँ, ये रैंडम कैरेक्टर्स लिखे हैं मैंने, नहीं 700 मिनिमम चल रहा है अभी इनका। नहीं नहीं, टैक्स वैक्स क्यों लगेगा, पाकिस्तानी 100, ये 760 बोले ना, इतनी कटते हैं ठीक है, ये सालाना है। अच्छा, आम तौर पे अगर कोई अगर सैलून वाला है ना, तो उसका एक नाम होता है ख़ास दुकान का, तो खुर्शीद हेयर स्टाइल, तो हम ज़रा खुर्शीद हेयर स्टाइल लिख के देखते हैं। खुर्शीद हेयर स्टाइल लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। खुर्शीद हेयर स्टाइल .com ना 760 रुपये में अवेलेबल है, एक साल की फुर्सत है। अच्छा, एक साल बाद वो खुद भी भूल जाएगा कि मैंने वेबसाइट बनवाई थी अगर तो वो ऐसे ही शौक में बनवा लिए, अगर सीरियस होगा तो पे करेगा भाई, 700 रुपये सालाना पे करना कोई मसला तो नहीं है। तो ये भाई मामला चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, होस्टिंग फायरबेस पे कर देंगे, आप फ्री होती है होस्टिंग। अच्छा, अगर तो उसके बाद ट्रैफिक इतनी आ रही है कि फायरबेस के फ्री प्लान से बाहर जा रहा है, तो फिर तो भाई पैसे भी अच्छे खासे कमा रहा है। अगर उसकी ट्रैफिक फायरबेस का जो फ्री प्लान है वो 5 GB पता नहीं कितनी बैंडविड्थ देता है, उसमें मेरे ख्याल 4-5 हज़ार यूज़र ना मंथली आराम से हैंडल कर सकता है, जो फायरबेस की फ्री होस्टिंग है, या नेटलीफाई वगैरह की जो, या जो गिटहब पेजेस की जो फ्री होस्टिंग है, वो भी अच्छा खासा बैंडविड्थ होता है उसका। तो क्या कहते हैं, ये डोमेन आपने 700 का ख़रीदना है, चलो 1000 रुपये ये भी हटा दिए, 4000 एक्सपेंस हो गया, तो बाकी सारा जो आपका प्रॉफिट है ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में आपको आमतौर पर ना शुरू में लोग इस तरह के मिलेंगे। अच्छा, मैं तो भाई पाकिस्तानी कस्टमर से थोड़ा भागता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि ना, पाकिस्तानी जो बंदे हैं ना, उनका एटीट्यूड थोड़ा सही नहीं होता। वो जब आपको पैसे दे देते हैं ना एक बार, अच्छा एक तो पैसे देते नहीं हैं, ये भी एक मसला है, वो आधे पैसे दे के आपसे काम करवा लेते हैं, बाकी आधे आप उनसे ले ही नहीं सकते, वही जो मिल गया वही मिल गया, ख़त्म। और दूसरा ये, चाहे पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में हो दुनिया में ठीक है ना, ये मैं ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ यहाँ वाले, कुछ सुधर जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में जाके कहीं जाके जो है ना, वो सुधर जाते हैं थोड़ा, दुनिया देखते हैं उनको अकल आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर का यही हाल है। और फिर क्या कहते हैं, जब एक बार आपको वो पैसे दे देंगे ना, तो वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आपको ख़रीद लिया उन्होंने, तो मुझे तो ये टोन बर्दाश्त नहीं होता आमतौर पर पाकिस्तानियों का, तो मैं पाकिस्तानियों के साथ काम ही नहीं करता। अगर किसी बंदे ने ना, नाम उसका कोई इंग्लिश नाम है और अपवर्क और मैसेज आया उसका, और अगर कॉल पे आने के बाद उसने उर्दू बोल दिया ज़रा सा भी, या हिंदी बोल दी उसने, तो मैं कोशिश करता हूँ उससे मैं दूर हो जाऊँ पहली फुर्सत में ठीक है, क्योंकि इंडियंस का भी यही हाल है, इंडियन भी इसी तरह करते हैं, एक बार पैसे दे देते हैं वो, तो वो ऐसे एटीट्यूड हो जाता है उनका कि कोई उसका हाल नहीं है। और दूसरा फिर आप बाकी आधे पैसे आप उनसे निकलवा के दिखा दें, वो निकालते ही नहीं हैं। तो कोशिश करें कि पहला प्रोजेक्ट जो अपना करें ना, वो गोरे के साथ करें, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा आपका इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं, क्योंकि अभी तो हमने प्रैक्टिस करनी है, एक टेम्पलेट उठा के उसको हमने मॉडिफाई करके देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, और वो कैसे करेंगे आप। तो हम ये $15 अभी बचा लेते हैं अपने, और हम चलते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं हम फ्री, ठीक हो गया।
अच्छा फ्री मैंने लिखा है तो क्रिएटिव टेम्पलेट डॉट नेट करके एक आया है मेरे पास जो कि ना फ्री टेम्पलेट दे रहा है मुझे। अच्छा भाई ये सबसे पहली वेबसाइट ये दिख रही है आपको, सेकंड ये दिख रही है, थर्ड ये दिख रही है, ठीक है। लड़कियों वाले सैलून के भी आ रहा है, लड़कों वाले सैलून के भी आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। मेरा ख्याल है सेकंड वाला जो था वो सबसे सही था, ये वाला जो था थर्ड, मेन सैलून HTML5 टेम्पलेट। अच्छा इसको मैं करता हूँ जनाब लाइव प्रीव्यू, पहले देख लेते हैं। अच्छा ये ना लाइव प्रीव्यू ही नहीं होगा, डाउनलोड का बटन दबा के देखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे भी नहीं है, ये किसी दूसरी वेबसाइट पे ले आया मुझे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम हेयर ड्रेसर्स, यहाँ पे से मुझे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेब टेम्पलेट, और सर्च का बटन दबा देता हूँ। बल्कि मैं हेयर ड्रेसर नहीं लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ मेन सलून। बार्बर शॉप, हेयर सलून, मैन MAN वाला लिखता हूँ यार, हाँ MAN वाला सही होगा। मैन हाँ यार ये पता नहीं गायब हो गया अचानक। अच्छा दोबारा शो हो गया मेरे पास, कर देता हूँ उस पर कास्टिंग, शो हो रहा है लेकिन इस पर जा नहीं रहा, फेल टू कास्ट लिखा हुआ है। एक मिनट मैं इस पे ना कुछ ट्राई करता हूँ, जरा सैलानी प्रोजेक्टर, ये शो ही नहीं हो रहा, नेटवर्क से ही गायब हो चुका है। सिक्स सेवन जो सिक्स वन है वो, केबल कौन से निकली हुई यार, ये पता नहीं कास्ट ही नहीं हो रहा, इस पर क्या चक्कर हो गया। मैं पता नहीं रिमोट है इसका, ये मुझे लग रहा है दूसरे वाईफाई पे चला गया है इसलिए शो नहीं हो रहा। ये देखो ना यहाँ पे सिर्फ एक ही शो हो रहा है, लैब वन बस, बंद कर ये बी नहीं बंद। ये देखो कभी कभी आ रहा है ना अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक वीडियो साइट्स, ये वाले सीन कर रहा है। देखो अब लैब वन ना दो दो आ गया, फिर गायब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है इसका। बंद कर दिया, देखो मैंने डेस्कटॉप किया, अब मैं कास्ट का बटन दबाऊंगा ना, अभी तो हो गया कास्ट। चलो ये भी सही है, मैं हाँ यार तुम आते हो सही हो जाता है। अच्छा भाई तो हम फ्री वाला ये उठाते हैं कोई एक, ये एक फ्री टेम्पलेट हमें मिला है, लाइव प्रीव्यू, बस डायरेक्ट डाउनलोड ही करते हैं इसको। इसमें पैसे तो नहीं लिखे हुए लेकिन भाई,
सही कह रहे हो। वेल अब अपने गूगल सर्च में चलते हैं और बात देखो, फ्री वाले में ना यही मसले होते हैं, इसलिए ना फ्री वाले में कोशिश करना चाहिए कि बंदा नहीं फंसे, जो पेड होते हैं वही सेट होते हैं सबसे। अच्छा एक ये आ रहे हैं, अच्छा देखो जो फ्री वाले अब निकल रहे हैं ना वो सारे फारिग हैं ऐसे ही, जो पेड में जो लेवल था ना वो फ्री वालों में नहीं है, उसमें रेटना वगैरह सब कुछ था ना, अब ये देखो रेटना वाला इसमें नहीं है। ये जो एप्पल के जितनी भी डिवाइसेज है ना इनके अंदर रेटना वाली एक चीज़ होती है, तो उसके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी लगाते हैं लोग आमतौर पर, वो रेटना को ना सपोर्ट करने लग जाता है, फिर रेटना पे वो थोड़ा सही दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। वेल मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अब इसमें हम जाके ना खुर्शीद हेयर ड्रेसर का इसका बनाते हैं। अच्छा ये मैंने ओपन किया ना, तो ये देखो मेरे पास ये फोल्डर बना हुआ आ गया, सही है, ये जिप में डाउनलोड हुआ था असल में, लेकिन इसको अनजिप किया मैंने तो इस तरह से मेरे पास आ रहा है ये। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके कहाँ ले जाता हूँ, आपके जो क्लास का जो फोल्डर है ना उसमें ले जाता हूँ, डेस्कटॉप क्लास बैच 8 और इसमें CSS वाले पे ले जाता हूँ मैं, और CSS में जाके मैं एक पेस्ट कर देता हूँ जस्ट उसको, 8.SaloonMaster, ठीक है, जो CSS वाली जहाँ पे क्लासेस थी वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अब हम नज़र अपना VS Code ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है। नज़र नहीं आ रहा, ये फिर गया ना यार, ये ऐसे ही हुआ नहीं यार, इससे ज़्यादा नहीं बंद कर सकता, लाइट एक ही जल रही है बस अभी तो। अच्छा खैर CSS में गया मैं, सलोन मास्टर जो था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जो CSS की जहाँ पे क्लासेस थी ना आपकी, ये जो CSS की क्लासेस थी उसी में मैंने क्या बना दिया, एक ये फोल्डर बना दिया सलोन मास्टर। अब इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, इसके अंदर जो भी कुछ वहाँ से डाउनलोड हुआ है ना वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया, एक index.html की फाइल है, सही है। अच्छा उसके बाद गेट इग्नोर बना हुआ है, अच्छा फिर उसके बाद आपकी CSS की एक फाइल फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारी CSS हैं, IMG का एक फोल्डर है जिसमें सारी इमेजेस सेव हैं, ठीक है, हम इसमें से कोई इमेज करते हैं क्लिक, जैसे ये इमेज मैंने क्लिक की तो ये खुल गई होगी यहाँ पर, ठीक है, ये देखो खुल गई, ये इमेज है, ये इमेज है, ये सारी इमेजेस कहाँ पर सेव हैं, IMG के फोल्डर के अंदर ये सब कुछ सेव है, ठीक है, हमने जस्ट इन्हीं इमेजेस को रिप्लेस करना है अपनी इमेजेस से और ये खुद ही चल पड़ेगा। अच्छा और इसमें क्या है, JavaScript की कुछ फाइल्स हैं, app.js, अब app.js में ना जो एनिमेशन वगैरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हुई हुई हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, bootstrap वगैरह की जो jQuery और मुख्तलिफ लाइब्रेरी जो उसमें यूज़ हुई हुई है उसकी जो JavaScript है वो सारा इस फोल्डर के अंदर है। अच्छा मेल के नाम से एक है, उसमें क्या डला हुआ है कि ईमेल का टेम्पलेट होता है एक, वो इसके अंदर डला हुआ है, ठीक है, ईमेल का टेम्पलेट पता है ना सबको क्या होता है, नहीं पता, सॉरी ईमेल का टेम्पलेट नहीं है ये, ये जब बंदा क्लिक करेगा ना उसके ऊपर सारा लगा के अपना अपॉइंटमेंट वाला जो कुछ होगा इसके अंदर बटन के क्लिक पे ना ये फंक्शन चलेगा, ये PHP का कोड है, ये मैंने अभी नोट किया है, PHP है। अच्छा बाय द वे आप जब टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, वेबसाइट का जो फ्री टेम्पलेट हो या पेड हो, तो कुछ टेम्पलेट्स आपको क्या देते हैं, एक तो होता है मोबाइल पे चलेगा, टैबलेट पे और लैपटॉप पे, इन तीनों की सपोर्ट है, कुछ आपको टेम्पलेट्स क्या करते हैं ईमेल का भी टेम्पलेट देते हैं साथ साथ, कि जब आप किसी को ईमेल भेजेंगे, मिसाल के तौर पर खुर्शीद हेयर ड्रेसर अगर किसी को ईमेल भेज रहा है प्रोमोशनल, तो उसमें भी तो एक स्टाइलिंग होती है ना ईमेल, सादी सादी तो नहीं होती ईमेल, अगर मैं कोई ईमेल यहाँ पे ओपन करूँ जो प्रोमोशनल ईमेल बहुत सारी आ रही होती है डेली बेसिस पे, तो उसमें आप देखेंगे एक खास किस्म की स्टाइलिंग हुई भी होती है। ये प्रोमोशंस पे गया स्काई स्कैनर, अब ये स्काई स्कैनर पे ना देख रहे हो ये भी HTML है, HTML CSS और JavaScript से बना हुआ होता है ये भी,
तो ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, जो हर दफ़ा मेरे पास स्काई स्कैनर का जब ईमेल आती है ना, तो कुछ इसी तरह की चीज़ आती है, यही कलर होता है, यही थीम होती है, तो कुछ टेम्पलेट के साथ ये भी आपको मिलता है। वेल, अभी इसको हमने यूज़ करना नहीं सीखा, अगर मैं स्काई स्कैनर पे लगाऊं, इनके दूसरी ईमेल्स अगर मैं देखूं, अच्छा ये इनकी दूसरी एक ईमेल है, देखो उसी तरह का टेम्पलेट है ऑलमोस्ट, सिर्फ अंदर का कॉन्टेंट चेंज है, कलर वगैरह सब वही है। इससे और पीछे की ईमेल देखता हूँ मैं, ये देखो वही ईमेल आ गई दोबारा, ठीक है, यहाँ फ़ोटो वोटो थोड़ी अलग लगी हुई है, बाकी सब वही है। तो ईमेल भी जब आप भेजते हैं तो आपको उसमें भी क्या करना होता है, कुछ ना कुछ स्टाइलिंग चाहिए होती है। वेल, अच्छा उसके बाद SCSS है। अब SCSS क्या चीज़ होती है, एक फ्रेम, एक सुपर सेट है, आपकी जो स्टाइलिंग हम CSS में करते हैं रॉ, उसी का एक सुपर सेट है जो हम इस क्लास में कवर नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ CSS कवर कर रहे हैं। वेल, एक टाइम पे SCSS बहुत ज़्यादा हाइप मिली हुई थी उसको, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही टेम्पलेट उसी टाइम का बना हुआ है, इसलिए इसमें SCSS इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब चूँकि हम रिएक्ट के आने के बाद हम कंपोनेंट बेस्ड ऐप्स बना रहे होते हैं, तो हर कंपोनेंट की स्टाइलिंग उस कंपोनेंट के अंदर ही होती है, तो CSS की फाइल ना कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती, तो इसलिए हमें अब इसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी एक वक्त में हुआ करती थी। अच्छा, तो ये हमने गो थ्रू कर लिया कि इसमें क्या क्या फाइलें हमें मिली है। उसके बाद मैं index.html पे चला जाता हूँ, और index.html को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे बहुत बड़ा सारा ये HTML लिखा हुआ है। इसी तरह की होती है, आप जो ख़ुद से वेबसाइट बनाते हैं ये भी उसी तरह की है, कोई फ़र्क तो नहीं है खास। अब चलते हैं जी हम नीचे तक, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखो कमेंट किया हुआ है कि यहाँ से फूटर शुरू हो गया है, ये फूटर की चीज़ें हैं सारी, ठीक है, नीचे सारी स्क्रिप्ट की फाइलें लगी हुई हैं, और ये कुछ छोटी सी जावास्क्रिप्ट भी लिखी हुई है जिसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं टॉप पे, राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी पाथ करके इसको ज़रा मैं यहाँ पे चला देता हूँ, ये वेबसाइट मेरे पास खुल गई, बिल्कुल उसी तरह खुली है जैसे आपकी अपनी खुलती है वेबसाइट, कोई अलग से तो नहीं खुली, कोई अलग चीज़ तो नहीं हो रही, इसको आप गिटहब पेजेस में डिप्लॉय भी कर सकते हैं इसी तरह जैसे आप अपनी वेबसाइट जो हाथ से बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह। आप इसको फायरबेस होस्टिंग में भी होस्ट कर सकते हैं, नेटली फायर है, जितनी भी होस्टिंग है फ्रंट एंड की, सब जगह पे होस्ट कर सकते हैं आप इसको। अब इन्होंने ये लिखा हुआ है सैलॉन, अब इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, खुर्शीद हेयर ड्रेसर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को मैंने क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं ये कॉल नाउ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉल नाउ को कॉपी किया मैंने, अब यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल एफ करके कॉल नाउ को मैंने क्या कर लिया, तलाश कर लिया यहाँ पे। अब मैंने कहा कॉल नाउ क्या कर दिया मैंने 92, और मैंने कहा भाई 302 जैस का नंबर है बंदे का, सही है, 2233 और लास्ट में 56, ये एक नंबर मैंने रैंडमली इस पे लगा दिया, साथ में छोटा सा एड्रेस भी लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई ये बंदा जो है कहाँ है, कोरंगी नंबर 5, सही है, कराची, कोई अच्छी सी अच्छा सा जगह पता है कोरंगी में कहाँ पे है हेयर ड्रेसर्स की दुकान, पता है तुम्हें, किसी को पता है, कोरंगी है, कोई नहीं है यहाँ पर, लियाकताबाद में बताओ कहाँ पर है, लियाकताबाद नंबर 5, लियाकताबाद नंबर 5 लगा दिया मैंने, चलो सही है। इसको सेव किया, सेव करके मैंने जब रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो आप नोट करें यहाँ पे एड्रेस क्या आ गया, वही आ गया जो मैंने लिखा है, सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कई दफ़ा आप ये काम कर चुके हैं पहले भी, सही है, फ़ोन नंबर यहाँ पे वही वाला आ गया जो मैंने लिखा था। अच्छा, ये जो अब सैलॉन लिखा हुआ है ना इसने, ये एक पिक्चर है, तो आप इसकी जगह पे क्या करेंगे, एक अपनी पिक्चर तैयार करेंगे और अपनी पिक्चर तैयार करके यहाँ पे आप लगा देंगे, कोई मसला तो नहीं है पिक्चर रिप्लेस करने का। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, पिक्चर को रिप्लेस कर देता हूँ थोड़ा जल्दी से यहाँ पे आके, ये है ना मेरा, अच्छा इसको मैं ओपन करता हूँ ज़रा, राइट क्लिक करके ओपन विथ रिवील इन फाइंडर करता हूँ पहले, तो मेरे पास ना बिल्ट इन जो ऐप है जिस जो एडिट करने की,
उससे मैं इसको एडिट करके ना कुछ लगा देता हूँ इसमें। मैंने कहा भाई ये टेक्स्ट मेरा आ जाए यहाँ पे, इसको बड़ा कैसे करूँगा यार मैं, अच्छा हाँ ये बड़ा हो गया ना, ये मैंने ना इसका सलोन ही उड़ा दिया पूरा यहाँ से, और सलोन हटा के मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, खुर्शीद हेयर ड्रेसर। ठीक है, मेरे पास ये बिल्ट इन जो ऐप थी इसके ज़रिए मैंने ये काम कर लिया, आपके पास जो बिल्ट इन ऐप है आप उससे कर सकते हैं। के एच और क्या हुआ, खुर्शीद हेयर ड्रेसर KHD, ये कर दिया भाई मैंने। इसका ज़रा फॉन्ट साइज कैसे बड़ा होगा, सही है KHD बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे। थोड़ी इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा देता हूँ, लेटर स्पेसिंग। सही है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, सेव कर दिया मैंने उसको। ठीक है भाई, तो अभी फ़िलहाल ये KHD कुछ इस तरह का हो गया, लेकिन आपके पास ज़ाहिर है बिल्ट इन कोई ना कोई एडिटर है, उससे आप इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं। इसमें भी अगर मैं फॉन्ट वही सेम सेलेक्ट करता और कलर भी वही सेम सेलेक्ट करता तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता था। ठीक है, लेकिन जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट इतना ही काफ़ी है आई थिंक। अच्छा, उसके बाद ये होम सर्विस अबाउट, अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे आता है। सर्विस में ना इसी को स्क्रॉल करके नीचे लेके जाता है। ये नीचे जो सारी इमेजेस हैं ये सारी कहाँ पे मौजूद हैं, ये आप देख चुके हैं कि IMG के अंदर, ये क्लाइंट्स में जाऊँगा ना मैं, सही है, ये सारी इन्होंने पिक्चर यहाँ लगाई है, पोर्टफोलियो ये सारी पिक्चर्स यहीं पर मौजूद है। सही है जी, ये सारी पिक्चर यहाँ पर मौजूद है पहले से, इन पिक्चर्स को जस्ट मैंने रिप्लेस करना है। अच्छा, और इसके अलावा जो भी कंटेंट इसका मुझे चेंज करना है, जैसे हेयर कट लिखा हुआ है, अब हेयर कट में इन्होंने 100 इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लोगो है ये इंडियन रुपीज़ का है, तो मैंने क्या करना है, इसका हेयर कट फाइंड करना है, यहाँ पे जाके कंट्रोल F और ये हेयर कट, तो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पर 100 रुपीज़ जहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने कर देना है RS। ठीक है, कितने की चल रही है कटिंग अभी, 250 की चल रही है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, हेयर कट के रेट बढ़ा के 100 से मैंने 250 कर दिया। खुर्शीद भाई का फ़ायदा करा दो थोड़ा, 100 रुपये में कटिंग करवा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ भी जस्ट इन केस मुझे चेंज करना है, मैंने सेलेक्शन की इसकी, कॉपी किया और कॉपी करके मैं कंट्रोल F करके ये इस पैराग्राफ पे आ गया, चेंज कर दूंगा यहाँ से, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब मुझे बताओ इससे, इसके रिलेटेड कोई अगर सवाल है तो वो बताओ। ठीक है, ये अच्छे से अंकल बैठे हैं, इनको भी आपने क्या करना है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो इसी तरह, अगर खुर्शीद भाई बोले नहीं यार ये पसंद आ रहा है मुझे इसी तरह, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है भाई, अब हाँ सॉरी, ये वाला जो बंदा है इसको ढूंढेंगे कैसे, ये जो लिंक है ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। देखो अभी ये बंदे का नाम लिखा हुआ है ना, तनेश्वर लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके जब जाके देख लेते हैं कंट्रोल एफ करके क्या किया हुआ इन्होंने। देखो यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है तनेश्वर, और एक तनेश्वर दूसरा भी लिखा हुआ है जो हवर पे आता है, सही है, तो दो लिखे हैं। अब मैं एक पे लगा देता हूँ 1, एक पे लगा देता हूँ 2, तो अब तुम देखना ये हवर पे ना एक अलग आ रहा होगा, एक 1 आ रहा है, क्लिक किया हवर किया तो दूसरा आ रहा है। इन्होंने सेटिंग पहले की हुई है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसी के नीचे आओगे ना, कहाँ गया वो,
ये रहा, ये चारों लिंक आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये जो चार इमेजेस थी ना, उसके जो चार लिंक हैं वो ये चारों पड़े हुए हैं। अभी हम ज़रा देखते हैं कि वो चारों कौन से वाले हैं। टीम वन, नहीं यार, हाँ ये रहा, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और लिंक्डइन, हाँ यही हैं वो चारों। अच्छा, इसके ऊपर देखो अभी कोई लिंक नहीं लगा हुआ ना, एचआरएफ पे ना हैश लगा हुआ है जस्ट, ये लिंक आपने लगाना है। अभी मैं क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा, देखो अभी मैं गूगल पे क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं हुआ, वो घुमा के मुझे होम पे ले गया, ठीक है। और ऊपर हैश देखो, यहाँ पे हैश भी ऐड कर दिया इसने। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कोई जैसे twilio.com लगा दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने कहा भाई अगर कोई बंदा किस पे आके क्लिक करे, अगर फेसबुक पे क्लिक करे तो उसको कहाँ लेके चले जाओ, उसको twilio.com पे लेके चले जाओ, ठीक है। फेसबुक तो मैं नहीं खोलूँगा अपनी आपके सामने प्राइवेट चीज़ होती है ना। अच्छा कहाँ गया भाई वो, और नीचे तरफ, ये रहा। अच्छा फेसबुक पे क्लिक जैसे ही कोई करेगा, इसको कहाँ लेके चले जाओ, ट्विलियो पे लेके चला गया। मेरी मर्ज़ी है, मैं जहाँ भी लेके जाना चाहूँ। तो एक्चुअली इस बंदे की ये बता रहे हैं कि यार हमारे ना ये कस्टमर्स हैं, कोई मतलब सॉरी ये कस्टमर्स नहीं है, ये इसके फाउंडर हैं, जिस बंदे ने ये बिज़नेस, ये खुर्शीद भाई खुद हैं ये एक्चुअली तो खुर्शीद भाई के फेसबुक के पेज पे आपको लेके जाना है यहाँ से, ठीक है। खुर्शीद भाई का गूगल का भी अकाउंट है, लिंक्डइन भी है, ट्विटर भी है, ठीक है, व्हाट्सएप है खुर्शीद भाई के पास वैसे। अच्छा व्हाट्सएप भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप का भी लिंक लगा सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक पता है ना सबको कैसे होता है, बताओ कैसे होता है, पता है किसी को भाई? ये जाओगे ना, अच्छा ये तो वेब डॉट व्हाट्सएप खुल गया। एचआरएफ में करके होता है wa.me और उसके बाद स्लैश करके आपने वो फ़ोन नंबर लिखना होता है। तो जब उस पर क्लिक करेगा ना कोई, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप खुलता है। फ़ोन पे अगर होगा तो व्हाट्सएप की ऐप खुलेगी, अगर डेस्कटॉप पे होगा तो वेब डॉट व्हाट्सएप वाला लिंक खुलेगा आपके पास, ठीक है। तो वो लिंक आप लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये टेम्पलेट पे काम करने का जो हमारा था सिस्टम, वो एक्सप्लेन हो गया पूरा। अच्छा लास्ट में देखो यहाँ पे ना कॉपीराइट डिज़ाइन बाई ये लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप थीम। अगर इसको आपने हटाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपने जाना है इसको कॉपी करके, नहीं नहीं मसला क्या होगा, एथिकली तो सही नहीं है। और अगर आप किसी US के बंदे के लिए बना रहे हैं तो US वगैरह में इसको आप ना हटाएं तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो रेगुलेशन करते हैं, तो वेबसाइट को डाउन भी कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। लेकिन अगर जिस वेबसाइट पाकिस्तान में जस्ट यूज़ होनी है तो कोई मसला नहीं है, इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ये भाई फूटर के अंदर ना सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, तो इसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट इसको आप कॉमेंट कर देंगे, हट जाएगी लाइन, ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये ट्विटर और जो नीचे लिंक है ना, ये नीचे जो पट्टी आ रही है ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, उन तीनों का ये बना हुआ है। तो ये एचआरएफ में आपने क्या कर देना है, वो लिंक लगा देना है जिसमें आप चाहते हैं कि क्लिक करने से ये जाए, ठीक हो गया। अब प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज़, अगर प्राइवेसी पॉलिसी कोई है खुर्शीद भाई की, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्लिक करने से इसको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अब किसी का भी अगर कोई सवाल है इसके हवाले से तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। सॉरी इनकी कॉपीराइट, यार ये लाइन इस वजह से लिखते हैं कि वैसे तो वैसे ही भी लिख देते हैं लोग ना, कॉपीराइट नहीं भी होता है फिर भी लिख देते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना तो उसके पास राइट्स होते हैं उसके। जैसे शेक्सपियर ने जो बुक लिखी है जितनी भी, वो उसकी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। अगर कोई बंदा इस वक्त पोइट्री लिखता है, कोई शेर पढ़ता है अपना बनाया है उसने, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें उसके राइट्स होते हैं, तो कोई भी दूसरा बंदा उसकी इजाज़त के बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब लेकिन उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठ के बोल दें भैया तो तुमने मेरा शेर लिख दिया,
आपके पास राइट्स बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए उसके, तो जो ये आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये आप ही का काम है, किसी और का नहीं। तो ये जो कॉपीराइट है ना, ये जिस बंदे ने बनाई है ये HTML CSS जिस बंदे ने अपने हाथ से लिखा है, ये उसका कॉपीराइट है। अच्छा, वो जो कॉपीराइट के जो सर्विसेज हैं, ये बहुत सारी कंपनी है जो सर्विस देती हैं। आप क्या करते हैं, अपना डेटा पूरा उनको देते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंटेशन संभाल लेते हैं। तो ये जो जितने भी टेम्पलेट को बेचने वाली कंपनीज़ हैं ना, ये इनका पैकेज होता है कि आप कुछ भी बनाओ, बना के हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचो, कॉपीराइट आपको हम करके देंगे, ठीक है। तो ये कॉपीराइट इनके पास बकायदा डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि ये कहीं से मैंने डाउनलोड किया ना। तो अच्छा, फिर ये लाइसेंसिंग कहलाती है असल में, कि जो आपको ये मिला है वो कौन से लाइसेंस पे मिला है। गिटहब में भी आप जाएंगे ना, किसी भी लाइब्रेरी में, तो लाइसेंसिंग उसमें लिखी हुई होती है। एक MIT लाइसेंस होता है, MIT लाइसेंस का मतलब ये होता है कि यार आप इस प्रोजेक्ट को अपनी लर्निंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट जो भी चीज़ें हैं उनमें इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको चेंज करके बेच नहीं सकते, ये MIT लाइसेंस बोलता है। ऑन अदर एंड फिर अपाची 2.0 ये है कि आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने लिया फ्री में, लेकिन बेच भी सकते हैं आप कल को। तो इस तरह की मुख्तलिफ लाइसेंसिंग होती है। तो ये जो फ्री में डाउनलोड करके दे रहा है आपको, और ये बोल रहा है कि राइट्स अभी भी मेरे पास हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये इस्तेमाल करने के लिए मिला है, लेकिन आपको ना ये नीचे बताना है कि ये राइट्स इसके किसके पास हैं। तो ये असल में उसको फ़ायदा हो रहा होता है, किसको, ये बूटस्ट्रैप थीम के नाम से जो वेबसाइट है ना, इनको फ़ायदा हो रहा होता है, इनकी मार्केटिंग होती है कि अच्छा यार आप यूज़ तो फ्री में कर रहे हो, लेकिन आप अंडरलेइंग जो है ना इंटरनली आप इनकी मार्केटिंग भी कर रहे हो। अगर कोई बंदा नीचे तक आता है वेबसाइट की, तो वो देखेगा अच्छा ये वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, तो उसको भी अगर चाहिए होगी वो भी वहाँ से जाके ले लेगा। तो इस तरह का कुछ सीन होता है। तो पता क्या चला कि हम कोई भी चीज़ जब फ्री में इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट में या किसी भी जगह पर, तो असल में वो फ्री नहीं होती, हम किसी ना किसी तरह से उसके पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। हम जो पायरेटेड मूवीज़ देखते हैं, हम टॉरेंट से डाउनलोड कर लेते हैं, हम देख लेते हैं उसको, लेकिन हम उसके भी पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। हम जो आपके बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे जो आपको पैकेज मिल रहा होता है कि यार इतने परसेंट ऑफ उतने परसेंट ऑफ, तो वो असल में उतने परसेंट ऑफ हो नहीं होता नहीं है, उसके भी हम पैसे किसी ना किसी तरह से पे कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है, हर चीज़ के पैसे आप किसी ना किसी सेंस में पे कर रहे होते हैं। हाँ, ये जो फॉर्म है ना, इसके ऊपर ही उन्होंने मेरे ख्याल है वो लगाया हुआ है, जो पीछे कोड था ना। वेल, अभी तो बैकएंड आपने पढ़ा नहीं है ना यार, जब बैकएंड पढ़ोगे तो हम ये डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। हाँ हाँ, इसमें बटन दबाओगे पीछे बैकएंड पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से जो मर्ज़ी करवा लो। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, तुमने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। इन्होंने ये पूछा कि जो टेम्पलेट हम ख़रीद लेते हैं, क्या उसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता? उसमें भी दो चीज़ें हैं कि ये हमने HTML में जब फॉन्ट्स हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर ये सारे 6-9 तरीके होते हैं अलग अलग, जो सारे उसमें डिस्कस हुए हैं, वही सारी चीज़ें टेम्पलेट पर भी अप्लाई होती हैं, कि एक फॉन्ट को ख़रीदना और एक टेम्पलेट को ख़रीदना वो सेम ही है दोनों। तो वो 9 चीज़ें सारी इस पर अप्लाई होती हैं। लेकिन जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन, मैं ये बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर जो होता है इन जनरल, सॉफ्टवेयर जो होता है वो आम तौर पे बेचा ही नहीं जाता। कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर सेल नहीं करती, ठीक है। बड़ी हैरानी की बात लगे शायद आपको, आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर बेचा जाता है वो इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है। आपसे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, आपको एक साल के लिए वो सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, ठीक है। अब वो कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, लेकिन उसमें भी असल में हो यही रहा होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके इस्तेमाल के लिए आपके पास अवेलेबल होता है, वो सॉफ्टवेयर आपका नहीं होता। तो थीम में भी ना इस तरह से होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे इससे पहले ये जो थीम हम देख रहे थे, इसमें अगर आप देखें ना, अब वो तो चला गया कहीं, लेकिन वो पर ईयर का कोई सीन बता रहा था ये,
कि इतने पैसों में ना पर ईयर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे थीम यूज़ करने के। तो पर ईयर वाला भी सीन हो सकता है बहुत सारी थीम्स में, कि वो आपको बेचे नहीं, आपको थीम दे नहीं रहे हो, आपको जस्ट इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, आप उसको यूज़ करें। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि थीम एक बार पैसे ले लें, बोले भाई लाइफ टाइम एक्सेस है, आप जैसे चाहो इसको यूज़ करो, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो एक तो सेल करना ही हुआ ना, क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे दी, वो तो उसी के लिए बनी हुई है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मिसाल के तौर पे एज अ टेम्पलेट दोबारा बेचना, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तुम देख लेना खुद ही, ठीक है, सर्च कर लेना। तो वैसे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का यही होता है कि वो आपका होता नहीं है, आपको इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, मेरे पास इंस्टॉल है, चलो मैंने पायरेटेड की भी लगा दी, उसमें सब लगा दिया, लेकिन क्या मैं उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जो उन्होंने बना के दिया मैं वही यूज़ करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उन्होंने बना के दे दिया, हम यूज़ करते हैं सिर्फ, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है। अभी वो प्लगइन्स होते हैं कुछ, जिससे थोड़ा कलर वलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो है उन्हीं का ही, आपको जस्ट वो यूज़ करने के लिए मिला है, और कुछ पैसे आपसे वो मांगते हैं कि यार हमें सालाना इतने देते रहो। हर सॉफ्टवेयर का यही है। आपके पास मोबाइल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड, आपने कोई सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा, कोई ओप्पो का फ़ोन ख़रीदा, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो आपका नहीं है, वो उन्हीं का ही है, ओप्पो वालों का ही है। जस्ट आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपने जो फ़ोन ख़रीदते हुए 25-30 हज़ार जो भी पैसे दिए हैं, उसमें इस सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग भी शामिल है, और 2 साल की वो सपोर्ट देते हैं, तो 2 साल के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने का ना आप पैसे दे चुके हैं। मतलब ऐसे हम खुश होते हैं ना, विंडोज़ हमने फ्री में कर ली तो हम खुश होते हैं, लेकिन हम उसके भी पैसे दे रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि लैपटॉप जो बिकता है ना बॉक्स पैक, उस पर विंडोज़ का एक स्टिकर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, वो विंडोज़ का स्टिकर यही बोल रहा होता है कि ये जब बॉक्स पैक ख़रीदोगे ना आप, तो विंडोज़ के भी पैसे दे रहे हो आप साथ साथ, ठीक है। उसका मतलब यही होता है, की पीछे लगी हुई होती है। आप पहले बंदा देखता है, सोचता है कि की लिखी हुई है, शायद विंडोज़ फ्री है, लगाते हैं तो वो की लगती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होती है। तो वो असल में लैपटॉप जो न्यू लेते हैं उसमें भी हम वो पैसे दे रहे होते हैं। फ़ोन ख़रीदते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के पैसे उसी वक्त दे देते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो चाइनीज़ कुछ वेंडर हैं, ओप्पो शाओमी वगैरह, इनके फ़ोन में अंदर ऐड आ रहे होते हैं, देखा है ना, वो ऐड इसी वजह से आ रहे होते हैं कि उन्होंने क्या किया है, बॉक्स पैक फ़ोन को तो सस्ता कर दिया है, 15,000, 16,000, 18,000 का वो दे रहे हैं बॉक्स पैक, लेकिन वो उसमें एडवर्टाइजमेंट करके आपसे बाकी के पैसे पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर तो इतने का नहीं है जितने का वो दे रहे हैं, या शायद जितने का हार्डवेयर उतने का ही दे दे रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो वो प्रॉफिट कहीं से तो पूरा करेंगे ना। वो अंदर आपको ऐड शो करते हैं, कोई ऐप इंस्टॉल होती है तो उस पर ऐड आ जाता है, कुछ भी कहीं भी ऐड आ जाता है रैंडमली, ठीक है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है वो। अब वो पता नहीं थोड़े 2 साल के लिए जब पैसे पूरे होने तक, या पता नहीं इनडेफिनेटली है क्या है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। खैर, इसमें अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप कोई भी थीम एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप जल्दी से वेबसाइट अच्छी से तैयार करके बेच सकते हैं। अच्छा, एक थीम आपके पास अगर आ गई है तो आप वो 2-3-4 कस्टमर को भी दे सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी का कोई सवाल है थीम से रिलेटेड, या इसको एडिट कैसे किया, या इसको होस्ट कैसे करते हैं, इस तरह का कोई भी अगर सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, होस्टिंग मैंने फायरबेस पे होस्टिंग करके बताई है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, नहीं बताई मैंने। हाँ, मैंने वीडियो बताई थी तुम लोगों को ना, वीडियो से सही समझ आया था तुम्हें? हैं, अच्छा, देखी नहीं तुमने? हाँ, मुझे अभी याद आ गया, मैंने एक वीडियो बताई थी, बता देता हूँ वीडियो में दोबारा से। अपना ठीक है भाई, ये वो वीडियो है, इसका मैं लिंक आपको कहाँ पे शेयर कर दूँगा, ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, तकरीबन 1.5-1.5 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन अच्छी वीडियो है, आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ना, टाइम लगेगा, तो वो टाइम बचा रहे हैं असल में।
नहीं समझ आया अगली क्लास में पूछ लेना, कोई मसला ही नहीं। नहीं मैं इसका लिंक दे रहा हूँ ना, तो मैं सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे यार क्या लिखा हुआ था, सेक्शन एच, सही है। मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना तुम लोगों का, उसमें ये लिंक शेयर कर दिया है, तो किसी को भी अगर होस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाके यहाँ पे ये वाली वीडियो देख सकता है। 30 मिनट की वीडियो है, इसमें छोटे से छोटा एस्पेक्ट जो है ना होस्टिंग का वो कवर है। फायरबेस पे होस्टिंग करना बताया है इस पर मैंने, उसके अलावा क्लास में मैंने गिटहब पेजेस पे होस्टिंग करना बताया हुआ है। तो अगर वो भी किसी को नहीं आता तो वो किसी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं, या हाँ उसकी तो वीडियो भी नहीं है रिकॉर्डिंग। सही है, अच्छा गिटहब पेजेस में ना कस्टम डोमेन अलाउ नहीं करता वो आपको, ठीक है। आप गिटहब में अगर कस्टम डोमेन लगाते हैं तो आपसे पैसे मांगता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। फायरबेस पे कर लो, फायरबेस पे कस्टम डोमेन लगाना अलाउ कर देता है वो। नेटलीफाई का पता नहीं मुझे, गिटहब पे भी कर सकते हैं, गिटहब पेजेस में होस्ट कर सकते हो, नेटलीफाई पे, सर्च पे, फायरबेस होस्टिंग पे, जहाँ जहाँ होस्टिंग होती है सब जगह कर सकते हो। लेकिन दोस्त ने सवाल ये पूछा था कि गिटहब में क्या मैं कस्टम डोमेन लगा सकता हूँ, khurshidhairdresser.com लगा सकता हूँ मैं गिटहब पेजेस में? उसका जवाब है वो फ्री में नहीं लगा सकते, गिटहब बोलता है थोड़े पैसे दो। फायरबेस पे अगर आपने होस्ट किया हुआ है तो वो उसमें अलाउ कर देता है फ्री में लगाना ना, ठीक है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे मेरा ख्याल है, और आ जाते हैं अपने बुक की तरफ, राइट। अच्छा भाई, मैंने जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि ये पढ़ कर आइएगा चैप्टर, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये चैप्टर पहले से पढ़ कर आए हैं? है कोई ऐसा? अच्छा प्लीज़ ज़रा खड़े होके बताएं कि वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, ये इस चैप्टर में क्या इसने बात की है, ज़रा थोड़ा सा समराइज करें अपने लफ्ज़ों में जो भी आपको समझ आया। बिल्कुल सही बात किया आपने, और कोई प्लीज ऐड करना चाहे इनकी बात में? सही यार, एसी काम नहीं कर रहे शायद आज भी। देखो इसका मॉड कूल पे हुआ है, किस पे हुआ है, फर्स्ट पे हुआ है कूल पे हुआ है, और ये माइनस दबाओ जरा 16 पे है ये। तो यार ये तो शायद इतने बंदों में ये फेल हो जाता है ना, क्योंकि 50 बंदों की कैपेसिटी है, शायद 50 से ज़्यादा है यहाँ पे आज, 50 पे भी सही नहीं चलता होगा। लेकिन ये वेल, लेकिन गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा है, अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है बाहर? अच्छा बाहर भी 29 ही चल रहा है, यहाँ भी 29 है। अच्छा मुझे मैनेजमेंट का कोई बंदा कह रहा था कि फ़ैन चलता है ना तो इससे सारी ठंडक फॉल सीलिंग में चली जाती है, पता नहीं शायद मे बी ये भी सही हो। वेल अभी तो हम ये वाला करते हैं, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते हैं। अच्छा भाई
वो वाली चेंजेस मैंने पुश कर दी और अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ना ये अलर्ट वाली लाइन पढ़ ली थी, फिर हमने ये भी देखा था कि अलर्ट की जगह एक चीज़ और भी यूज़ होती है, कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग ज़्यादा बेहतर है अगर आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो कॉन्सोल डॉट लॉग को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल। अच्छा, एक जावास्क्रिप्ट थी ES5, ठीक है, अभी जो जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ES6 है, तो हम इस क्लास में कौन सा वाला पढ़ेंगे? ES6। जो बुक है ना वो थोड़ी सी क्योंकि पुरानी है, उसमें ES5 की बातें हैं, लेकिन बुक में चूँकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर किए हुए हैं, उसमें जो डिस्कशन हुई हुई है बुक में वो काफ़ी अच्छी है, उसका जो कंटेंट है बुक का वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोड जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें वो थोड़े से पुराने हैं, तो हम कोडिंग जो करेंगे वो लेटेस्ट वाली करेंगे, बुक स्टिल वही वाली फॉलो कर रहे हैं। तो पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता था वार, अब हमारे पास जो है लेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेट हम लिखेंगे तो भी वही काम करेगा, वार लिखेंगे तो भी वही काम करेगा, लेकिन लेट जो है वो नया है, लेटेस्ट है, और इसका बिहेवियर जो है वो वार वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा कि हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे लेट, कोई मुझे ये बता सकता है कि कीवर्ड क्या होता है? 3 चैप्टर आपने पढ़े हैं, उसमें कीवर्ड का जिक्र तो लाजमी आया होगा, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि कीवर्ड क्या होता है? कोई ऐसा हो जिसने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो वो अगर वो बताना चाहे तो बता सकता है, कीवर्ड को एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, जो कीवर्ड होता है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम अपनी बात कंप्यूटर को समझाने के लिए एक ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उर्दू जैसे ज़ुबान है या इंग्लिश है, इसके अंदर वर्ड्स होते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कितने वर्ड हुए? तुम कहाँ जा रहे हो, 5 वर्ड यूज हुए। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाते हैं और हम कोड लिख रहे होते हैं, अपनी बात को कोड में लिख रहे होते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो उसमें जो उसकी जो ग्रामर है उसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट जो है वो एक कीवर्ड है। जब हम लेट लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि क्या कर दो, मेमोरी में जगह मुझे दे दो इतनी। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 10। अच्छा, 10 जब मुझे सेव करवाना है अगर, तो मुझे कितनी जगह चाहिए मेमोरी में, कौन बताएगा? हम लास्ट क्लास में ये अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, मुझे मिनिमम कितनी जगह चाहिए कि मैं 10 को सेव करवा दूँ? 2 बाइट। लेकिन 2 बाइट में तो हमने देखा था कि 65,000 तक का नंबर सेव हो जाता है 2 बाइट में। वन बाइट के अंदर अंदर हो जाएगा। अच्छा, किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि 3 बिट में भी हो जाएगा, 3 बिट में हो जाएगा क्या? 1+2 3 और 3 के बाद 4 10 हो जाएगा यार, सही कह रहे हो, 3 बिट में हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे इस नंबर 10 को सेव करवाने के लिए जो मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड है वो क्या है? 3 बिट है वो मिनिमम। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, हम 3 बिट नहीं लेते, आमतौर पे क्या होता है, हम 3 बिट नहीं लेते, क्योंकि ये एक वेरिएबल है।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं? जो वेरी करता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारे आउट, अभी जो वेदर चल रहा है, टेम्परेचर क्या करता है? वेरी करता है, कभी नीचे चले जाता है, रात है थोड़ा नीचे आया है, दिन में 36 डिग्री पहुँचा हुआ था आज, ठीक है, कल 29 पे जाएगा और अब ऊपर जाएगा 2 डिग्री। तो जो चीज़ वेरी करती है ना उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको बल्कि हम ए नहीं लिखते, कुछ नाम लिख देते हैं इसका, माई नम, ठीक है, माई नम मैंने नाम रख दिया इसका, ये मेरा एक वेरिएबल है। अच्छा, इस वेरिएबल के अंदर मैंने कहा कि 10 जाके सेव हो जाए। अच्छा, इसको मैं साथ में क्या करवा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग में ना माई नम को क्या करवा देता हूँ मैं, कॉन्सोल पे प्रिंट भी करवा दिया मैंने। अच्छा, पहले इतने को ज़रा चला के देखते हैं, कॉपी पाथ किया, अरे कहाँ चला गया गूगल क्रोम मेरा, ठीक है। देखो, एक कॉन्सोल डॉट लॉग आ गया हेलो वर्ल्ड, एक आ गया माई नम और उसके आगे माई नम की वैल्यू, ठीक है। देखो, मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग लगाया, माई नम लिखा, उसके बाद कॉमा डाला मैंने एक, ठीक है, कॉमा कॉमा करके मैं जितनी वैल्यू चाहूँ प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने कहा माई नम को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है, बिल्कुल माई नम जो है वो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 10 असल में है ये माई नम के अंदर मुझे मिल रहा है। अच्छा, माई नम के अंदर लॉजिकली मिल रहा है, असल में तो ये मेमोरी में ही है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था मेमोरी में। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि आम तौर पे हम जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना नहीं लेते, तो फिर हम कितना लेते हैं, हम बाइट्स के हिसाब से लेते हैं, 1 byte 2 byte 3 byte। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें हमारे पास ये इख्तियार होता है कि हमें कितनी बाइट लेनी है, जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास ये इख्तियार होता है कि जितने बाइट चाहे ले सकते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल कौन सा वाला है, नंबर वाला है, एक नंबर को मैंने सेव करवाया है, ये लेता है 64 बिट, ठीक है, ये क्या लेता है 64 बिट। अच्छा, और कितने बाइट कितने बने, ये 8 byte बने शायद, 8, ठीक है। अच्छा, तो 8 byte ये आमतौर पर लेता है, क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये वेरी करेगा नंबर, नंबर ये वेरी करेगा, ये माइनस में भी जा सकता है नंबर और प्लस में भी जा सकता है, हो सकता है कोई 6000 सेव करवा दें, 6000 इज़ अ बिग नंबर, हो सकता है कोई 5,95,670 करवा दें, बिग नंबर, हो सकता है कोई ट्रिलियंस में नंबर सेव करवा दें। तो जो आपके 64 बिट होता है, जो 64 बिट के अंदर इतना बड़ा नंबर सेव हो सकता है कि 15 उसमें ज़ीरो होंगे ना, ठीक है। अब वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जावास्क्रिप्ट में नंबर सेव हो जाता है, मैक्स लिमिट ऑफ नंबर इन JS, वो एक लंबा सा आपके पास डिजिट आ जाएगा, सही है। ये जो है ना आपकी वो वैल्यू है 1.79 और उसमें 308 ज़ीरो लगेंगे जब, ठीक है, 179 के अंदर 308 ज़ीरो जो लगेंगे, तो इतनी बड़ी जो वैल्यू है वो जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है वो कितने बाइट में होल्ड कर लेता है, 64 बिट के अंदर होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर 64 बिट रिजर्व हो जाता है और उसमें ये नंबर जाके सेव हो जाता है, सेव हुआ है 10, बाकी बिट्स ऑफ होंगे जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है, वो सारे ज़ीरो होंगे। मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी होगी, सबको बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, किसी ने घर जाके ये देखा था कि पॉइंट वाली वैल्यूज को कैसे स्टोर करवाते हैं ये मेमोरी में, मैंने कहा था, आपने देखा, फ्लोट में करवाते हैं, ठीक है, और क्या खड़े होकर ज़रा बताओ कैसे करवाते हैं, और जो मैंने बताया था उससे कैसे मुख्तलिफ है वो, खड़े होकर बताओ, एक्सप्लेन करो ज़रा, जितना आता है उतना बता दो। फ्लोट का क्या मतलब है, अच्छा ही बैठ जाओ, सी प्लस प्लस वाले जो होते हैं ना ये फ्लोट में फंसे रहते हैं। अच्छा,
वेल भाई देखना यार, तुम लोगों को सबको मैंने कहा था कि उसको एक्सप्लोर करना, तुम लोगों ने किया ही नहीं। जाके देखो तो सही कि मेमोरी में पॉइंट वाले नंबर कैसे सेव होते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा। अच्छा तो मैंने अभी इसमें 10 सेव किया है, मैं कल को इसमें क्या सेव कर सकता हूँ, 179 उसके आगे 380 जीरो लगा के सेव कर सकता हूँ। अच्छा मैंने ये प्रिंट करवा दिया, अब बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा माई नम इक्वल्स टू, अब कितने हो जाओ, अब हो जाओ 12, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, 12 कर दिया इसको। अच्छा 12 करने के बाद एक दफ़ा और कंसोल पे लॉक करवा लेते हैं, ठीक है, एक बार 10 था कंसोल करवाया, 10 प्रिंट हो गया, अब 12 हो चुका है ये, मैंने चेंज कर दिया इसको, तो 12 प्रिंट हो जाएगा, सही है, देखते हैं भाई 12 प्रिंट होता है नहीं होता, ठीक है, 10 प्रिंट हो गया, 12 प्रिंट हो गया, यानी ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने ये शुरू में देख लिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई, कि ये वाला काम ना, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ठक करके चेंज कर लिया वैल्यू को, ये आसान हो सके, ठीक है, अब बैकग्राउंड में तो वही हो रहा है, वही बाइनरी नंबर चल रहे हैं, वही सब कुछ जैसा हमने पढ़ा था उसी तरीके से हो रहा है। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ कि भाई लेट सम इक्वल्स टू, एक सम के नाम से मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कहा माई नम प्लस 10, तो माई नम में जो कुछ मौजूद था वो और प्लस 10 कितना हो गया, 22 हो गया, क्योंकि माई नम में इस पर 12 है, 12 प्लस 10 22, तो सम में क्या चला जाना चाहिए, 22 चले जाना चाहिए। देखते हैं जाके क्या रिपोर्ट है इसकी, सही है, इसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सम को, ठीक है, सम को मैंने प्रिंट करवा दिया, तो सम में 22 चला गया। अब मैं दो वेरिएबल को प्लस कर सकता हूँ, दो नंबर को प्लस कर सकता हूँ, दो नंबर चार वेरिएबल, तीन नंबर दो वेरिएबल, कोई भी कॉम्बिनेशन को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ और एक दूसरे वेरिएबल में सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इतने में अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। सॉरी मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा रिपीट, लाइन नंबर कौन सी की बात कर रहे हैं आप, 19 और 16, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं, हाँ देखिए मैंने जिक्र किया था कि जब मैं लेट बोलता हूँ ना तो मेमोरी में क्या बोलता है, वो जगह मेमोरी में रिजर्व कर लो, जगह घेर लो मेमोरी में, लेकिन सेकंड टाइम पे मैंने लेट नहीं बोला है, तो इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसी माई नम की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, जो ऑलरेडी मैं जगह घेर चुका हूँ उसी की बात कर रहा हूँ, सही है। अगर मैं यहाँ पे लेट लगा दूंगा ना फिर मुझे ये एरर देगा, फिर बोलेगा भाई माई नम के नाम से तो पहले ही एक वेरिएबल है, अभी आप फिर बोल रहे हो जगह घेरो और उसका नाम क्या रखो माई नम, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर दे देगा ये, जाता हूँ मैं ज़रा देखता हूँ, एरर दे दिया, ठीक है, माई नम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो मैं ये लेट हटा दूंगा तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर हुए पे वेरिएबल को ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, चेंज कर सकता हूँ उसको मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नज़र नहीं आएगा, होगा तो सही है लेकिन नज़र नहीं आएगा जी। दूसरा देखो, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि यार जब ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था उसमें मैंने 10 रखवाया था, लेकिन जब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो माई नम ने 12 को क्यों पकड़ा, ओरिजिनल जो वैल्यू थी 10 उसको क्यों नहीं पकड़ा। उसका जवाब ये है कि जो प्रोग्रामिंग जो होती है आपकी, जो कोड होता है आपका, वो ऊपर से नीचे की तरफ रन होता है, कंपाइलर जो है ना जो एक एक लाइन करके उसको रीड करता है, कंप्यूटर जो होता है जब उसको ये कोड मिलता है तो वो एक एक लाइन करके रीड करता है, ठीक है। अच्छा अगेन ये चीज़ बिल्कुल आपने भूलनी नहीं है कि ये एक स्क्रिप्ट है जो कंप्यूटर को हम बता रहे हैं और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। कंप्यूटर को हमने क्या बोला 16 लाइन नंबर पे कि एक लेट, लेट का मतलब है मेमोरी में जगह घेरो मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए का मतलब है कि जो प्रोग्राम है उसके लिए, जो स्क्रिप्ट चल रही है जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है उसके लिए घेरो, जगह घेरो, उसका नाम रखो माई नम, उसके अंदर वैल्यू सेव करवा दो 10,
अब वो जगह घेर ली उसने, उसका नाम रख दिया, हो गया इस पॉइंट पे ये काम हो गया। अब वो देखेगा अगली लाइन में क्या करना है। अब अगली लाइन पे मैंने बोला कि भाई कॉन्सोल डॉट लॉग लिखो स्क्रीन पे माई नम और कॉमा डाल के क्या प्रिंट करवा दो, जो तुमने जगह घेरी थी ना माई नम के नाम से जो घेरी थी जगह, उस जगह पे जो भी कुछ रखा हुआ उसको लाके स्क्रीन पे दिखा दो। ठीक है, ये इस पॉइंट पे ये काम इसने कर दिया। लाइन नंबर 17 जब कंप्लीट होगी तो ये काम हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद लाइन नंबर 19 पे मैंने बोला कि माई नम के नाम से जो तुमने जगह घेरी थी उसमें अब रखवा दो 12। अच्छा अब रखवा दो 12, तो पुरानी वैल्यू कहाँ गई? ख़त्म। ठीक है, पुरानी वैल्यू ख़त्म। तो अब जब लाइन नंबर 19 कंप्लीट होगी ना, तो इसका मतलब है कि माई नम जो 10 जो था ना वो भूल चुका है, अब उसके लिए न्यू वैल्यू है 12। उसको नहीं पता पीछे क्या था, कंप्यूटर ये काम कर चुका है। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है ये काम। अच्छा अब उसके नीचे में आया माई नम, माई नम को प्रिंट करो, तो माई नम में जो अभी है ना वो प्रिंट होगा, अभी क्या है 12 है। इसी तरीके से अब अगला आया लाइन नंबर 22, मैंने कहा लेट एक जगह घेरो, नहीं उसका नाम रखो सम, उसके अंदर क्या रखवाना है, उसके अंदर सिंपल नंबर नहीं रखवाना, उसके अंदर मैंने दो नंबरों को प्लस करके रखवाया, तो माई नम में इस वक्त क्या है 12 है। सही है, 10 तो वो भूल चुका है पहले ही, 10 उसको नहीं पता, वो वैल्यू रिकवर भी नहीं हो सकती बात है, यानी इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा ना कि 12 से पहले क्या था, तो उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, वो भूल चुका है, ख़त्म हो गया वो। अच्छा माई नम में 12 था और प्लस हो गया 10 उसके, तो इस वजह से यहाँ पे इसको 12 ही मिलेगा हमेशा, या जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो मिलेगी। जी दोस्त, यहाँ पे किसी का कोई सवाल था? जी नहीं, जब नया देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट नहीं लगाऊंगा ना, मैं सिर्फ सम लिखूंगा यहाँ पे, तो ये सम के नाम से ना कोई वेरिएबल तलाश करने की कोशिश करेगा जो कि पहले से बना हो, बट मेरे पास तो नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए इसमें मुझे लेट लगाना होगा। जी हाँ जी दोस्त, तुम कह रहे हो इस प्लस को मैं माइनस कर दूं? टेन लिखा हुआ है, हाँ 19 में हमने माई नम दिया, माई नम को हटाए क्या कर दूँ? हाँ इसको मैंने 12 की जगह 14 कर दिया, तो अब ये 14 माइनस 10 करेगा, लेटेस्ट वैल्यू जो भी होगी 14 माइनस 10 होगा। अब 14 माइनस 10 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, 4 आ गया, तो माइनस भी चेक हो गया। अच्छा माइनस के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई में 140 रिजल्ट आ रहा है इसका, इसको मैं डिवाइड भी करता हूँ। डिवाइड कैसे होगा? स्लैश। ठीक है, डिवाइड का जो कंप्यूटर में साइन होता है वो स्लैश होता है। 1.4 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। ठीक है जी, जी दोस्त, हाँ हो जाएगी। नहीं वो तो लाइन पढ़ चुका ना, लाइन नंबर 22 जो थी वो तो पढ़ के ख़त्म कर दिया उसने, हाँ वो तो हो गया। अब माई नम के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई क्या लगवा दो? हेलो रखवा दो। अब माई नम में मैंने क्या करवा दिया? हेलो रखवा दिया। अब माई नम को प्रिंट करूँगा मैं, क्या होगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब लाइन नंबर 22 जब चल रही थी ना जिस वक्त, उस वक्त माई नम में जो वैल्यू थी उसने वो ले ली उस पॉइंट का। उसके बाद मैंने कहा माई नम में यहाँ पे रखवाओ हेलो, तो जब माई नम में हेलो रखवाया ना, तो इससे पहले जो भी था 14 था वो ख़त्म, वो डिलीट। ठीक है, वो नए सिरे से बाइनरी सजाएगा। अच्छा पहले जो सम हुआ था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सम में जा चुका है ना, ये जस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। प्लीज़ इस चीज़ को गौर से समझिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं ना ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा ना जब, तो वो एक्चुअली कुछ कर रहा होगा कंप्यूटर इसको, इस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, तो वो इंस्ट्रक्शन वो कर चुका है। मिसाल के तौर पे आपको एक पर्चा लिखा हुआ मिले, ठीक है, आपको पर्चा लिखा हुआ मिले कि यार आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है इसको आप मुस्कुरा के एक दफ़ा देखें, आपने देख लिया,
उसके नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि आप उससे बोलें कि यार मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है, आपने वो पढ़ा, अभी आपको नहीं पता आगे क्या लिखा हुआ है, वो आप जब आएगा तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। एक वक्त में एक लाइन पढ़ता है कंप्यूटर, आपने बोला यार 100 रुपये दे दो मुझे, ठीक है, फिर उसके नीचे आपने लगाया लिखा कि आप उसको ना एक थप्पड़ मार दो, सही है, तो आपने थप्पड़ भी मार दिया उसको। अब उसके अगली लाइन में ये लिखा हुआ है कि वो थप्पड़ वापस ले लो, तो वो थप्पड़ वापस हो सकता है क्या? नहीं, वो तो लग गया ना, वो तो नहीं वापस होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी है, जो वेरिएबल में वैल्यू जा चुकी है, यानी पुरानी वैल्यू डिलीट हो गई ना, नई वैल्यू डाल दी मैंने, तो पुरानी वैल्यू को रिकवर करने का तरीका नहीं है। लाइन नंबर 22 के बाद यहाँ पे माई नम को अगर मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे माई नम को मैंने कह दिया कि भाई तुम हो जाओ 99 हो जाओ, ठीक है। तो सम के अंदर लेकिन वैल्यू स्टिल जा चुकी है, इस वाली पॉइंट पे ना, जो यहाँ पे माई नम था उसमें 10 प्लस होके सम में जा चुका है, तो सम का रिजल्ट तो वही आएगा, अभी सम का रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन माई नम 99 हो चुका है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। सम का रिजल्ट अभी भी 24 है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि 14 प्लस 10 24 है, तो माई नम यहाँ पे चेंज हो गया। वेल अच्छा, अब ये जो एक्स एग्जैक्टली पता चलेगा ना आपको कि ये कर कैसे रहे काम, जैसे मैं खेल के देख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा आप घर में बैठेंगे, आपके जहन में जो जो बातें आ रही हैं ना, वो सारी आप करके देखेंगे जी। अच्छा, अभी कहाँ अप्लाई होगी ना, वो अभी नहीं सोचें, अभी पहले तो ये पहले ना, अभी जो सीख रहे हैं बेसिक्स हैं ये बिल्कुल, तो पहले तो ये हम समझते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी हम कल ये हिस्ट्री में देख चुके हैं कि कंप्यूटर जब ईजाद हुआ तो क्या था, एक बिट था जो ऑन या ऑफ हो सकता है, कंप्यूटर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यानी जो रूट लेवल पे कंप्यूटर आज भी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिट ऑन और ऑफ होती है बस। लेकिन इस ये बेसिक सा जो एक हमारे पास कंट्रोल है बिट को ऑन और ऑफ करने का, उससे आहिस्ता 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 हमने क्या किया, नंबर भी सेव करवा लिया, बाइनरी सिस्टम बनवा लिया, फिर उसी से हमने कैरेक्टर भी सेव करवा लिया, फिर उससे साउंड और वीडियो और MP3 MP4 और पता नहीं क्या किया हमने करवा लिया, जिप फाइल GBs में इस वक्त डेटा सेव हो रहा होता है, ठीक है। आपके पास जो CD होती है, CD में पता है डेटा सेव कैसे होता है, जो चमकदार सी CD होती है, अब तो ख़त्म हो गई है आजकल, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस पर डेटा सेव कैसे होता है, उसका जो सरफेस होता है ना, शाइनी सरफेस होता है, उसमें क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो शाइनी है, ठीक है। अब जब उसमें डेटा राइट करना होता है तो उसमें वो लेज़र के ज़रिए ना उसको डल कर देते हैं, तो जो आपकी CD होती है जिसमें आप डाल के वीडियो देखते हैं या कुछ भी जो भी आप देखते हैं, आपको पता होगा तो वो असल में डल और शाइनी सरफेस है और कुछ भी नहीं है। वो डल और शाइनी सरफेस मतलब क्या, 0 और 1 है, तो आप यही वजह है कि आप जब कोई CD उठा के उसको गौर से देखेंगे ना, तो वो साइड की एक पट्टी उसको दिख रही होती है आपको, जितना क्योंकि डेटा समटाइम डेटा कम होता है, तो वो उस जितने पर डेटा होता है ना उसका कलर चेंज हुआ हुआ होता है, सही है, थोड़ा सा जगह एटलीस्ट लास्ट में ज़रूर शामिल होती है जो खाली जगह होती है। इसी तो कौन सी वाली वो लेज़र के जरिए होता है ना, क्योंकि CD राइटर जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो नॉर्मल CD ड्राइव में आप राइट थोड़ी कर सकते हैं, उसके राइटर में RW लिखा हुआ होता है, वो उसके अंदर एक अलग से लेज़र होता है जो आम CD ड्राइव में नहीं होता, वो उस लेज़र से हिट करके ना उसको राइट करता है उसके ऊपर, और यही वजह है कि CD एक दफ़ा ही राइट होती है, क्योंकि वो एक बार डल हो गया ना तो दोबारा शाइनी नहीं हो सकता, वो परमानेंट स्टोरेज होती है एक तरह से देखा जाए। अब इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है, कुछ होता है वो 2-3 दफ़ा भी राइट हो जाती है, ठीक है ना, वो 2-3 दफ़ा राइट होने वाली जो होती है उसमें वो कर ये हो रहे होते हैं कि वो लेज़र ना हल्का सा मारते हैं, तो वो हल्का सा डल होता है, जब सेकंड टाइम आता है ना वो और लेज़र मारते हैं, थोड़ा और डल हो जाता है, तो 3 से 4 लेवल्स होते हैं
डल और शाइनी है, तो वो ये भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। अब तो खैर सीडी ख़त्म हो गई, यूएसबी का दौर आ गया है। तो यूएसबी के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ऑन ऑफ हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास यूएसबी जो है 32 GB की, उसमें 32 GB वो बिट्स हैं, वो एक एक बिट ऑन और ऑफ होती है। अब उसको माइक्रो इतना कर दिया है टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से कि आपको देख के बिलीव नहीं होता समटाइम कि यार इसमें इतनी सारी बिट्स हैं वाकई जो ऑन ऑफ हो रही हैं, ठीक है ना, बिलीव नहीं होता देख के, लेकिन इनफैक्ट अंदर वही हो रहा है। तो अच्छा, तो हम अब देखते हैं आगे। तो ये नंबर के वेरिएबल्स थे भाई। अच्छा, उसी नंबर के वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर करवा दिया, एक टैक्स हेलो लिख के सेव करवा दिया। अब कौन मुझे ये बात बताएगा कि ये हेलो ने कितनी जगह ली मेमोरी में, एक दो तीन चार पांच कैरेक्टर हैं टोटल इसमें, अच्छा हम जो कैरेक्टर होता है H, कैपिटल H, उसको सेव कराने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए होते हैं आमतौर पर, एक बाइट चाहिए होता है, सही है, क्योंकि 0 से लेके 127 तक हमने देखा था कि एस की कैरेक्टर सेट था। अच्छा, अभी जो कैरेक्टर सेट यूज़ होता है वो वाला नहीं यूज़ होता, वो तो सबसे पहला था, दुनिया का सबसे पहला था वो। अभी जो यूज़ होता है, जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है, वो करता है UTF-16, सही है। UTF-16 को ज़रा हम एक नज़र खोल के देख लेते हैं क्या मंजन है। ये भाई UTF-16 की ना वही वाली टेबल है जो हमने ASCII का देखा था। इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, इसमें हजारों कैरेक्टर हैं, ठीक है, 65,000 से कम है ये सारे कैरेक्टर हैं। क्योंकि ASCII के अंदर प्रॉब्लम ये था, उसमें सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर हैं। अभी मुझे उर्दू के, चाइनीज़ के, जापनीज़ के वर्ड्स लिखना है तो वो तो फिर जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड ये प्रिंट करता है या इंग्लिश के वर्ड सेव करता है मेमोरी में। इतने सारे वर्ड्स हैं, गिनती उर्दू की भी होती है, फिर बहुत सारे वो आराब्स होते हैं, ज़ेर ज़बर वगैरह इस तरह के, फ्रेंच में भी होते हैं, फ्रेंच में भी ज़ेर ज़बर लगता है वो, ठीक है ना। तो फिर उर्दू के बहुत सारे अब इमोजीज़ भी जिसके अंदर ऐड कर दिए इन्होंने, इमोजीज़ भी क्या है, इजी इसी में एडिशन हो रहा है। अब जितनी भी दुनिया की नई नई लैंग्वेजेस हैं ना, वो सब इसमें वक्त के साथ साथ ऐड हो रही हैं। तो वो कैरेक्टर अभी 127 कैरेक्टर नहीं है, अब वो हज़ारों की तादाद में, ठीक है, वो 40-50,000 कैरेक्टर होंगे UTF-16 में। अच्छा, उसके अलावा भी एक यूनिकोड है, यूनिकोड जो है वो 4 बाइट में सेव होता है, क्योंकि उसके अंदर बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। दुनिया का शायद ही कोई कैरेक्टर होगा जो यूनिकोड 2.0 में नहीं है, लेकिन जावा यूनिकोड थोड़ा हैवी भी होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में यूनिकोड नहीं है, UTF-16 है। तो अब UTF-16 का मतलब ये है कि आपका जो एक कैरेक्टर है उसको सेव कराने के लिए आपको 2 बाइट की जगह चाहिए, क्योंकि अभी तो आया है H, कल को जैपनीज का कोई यू करके कोई कैरेक्टर आ जाएगा जिसका जो पीछे जो नंबर है वो 77 नहीं है नंबर कैपिटल एच की तरह, उसका नंबर है 40,817, तो वहाँ पे फिर फेल ना होगी। तो एक कैरेक्टर क्या लेता है, 2 बाइट लेता है, तो ये कितने बाइट हो गए, 10 बाइट हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि माई नम को जब मैंने डिक्लेयर किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नंबर था, नंबर जावास्क्रिप्ट में लेता है 64 बिट। अब इसी में मैंने बाद में आके मैंने बोला यार ये क्या कहते हैं 10 बाइट का आइटम रखवा दिया मैंने इसमें, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरर भी नहीं आया, वो प्रिंट भी हो गया था, ये कैसे हो रहा है, उतनी तो जगह ही नहीं थी माइनम के अंदर। नहीं, मैंने तो जैसे ये लिखा माइनम के अंदर हेलो डाल दो, पहले मैंने कहा माइनम में 14 डालो, अब मैंने बोला माइनम के अंदर हेलो डाल दो।
अच्छा, इसका जवाब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं इसमें नई वैल्यू डालूंगा, जावास्क्रिप्ट देखेगा कि इस वैल्यू, ये किस तरह की वैल्यू है, अकॉर्डिंगली वो मजीद जगह उसको दे देगा। ठीक है, आमतौर पर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से नहीं होता है। कोई नंबर अगर कोई वेरिएबल का नंबर है तो उसमें नंबर ही सेव होता है। ठीक है, उसमें आप बाद में टेक्स्ट नहीं सेव करा सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये लेवरेज है आपके पास, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। जब भी आप इसको नई वैल्यू असाइन करते हैं, ये रीथिंक करता है दोबारा से कि इस वैल्यू को कितनी जगह चाहिए, तो वो दोबारा जितनी चाहिए होती है ना उतनी ले लेता है। ठीक है, तो वो जिस तरह से चल रहा होगा, तो डायनेमिकली टाइप होने की वजह से इसमें मैं जब चाहूँ नंबर, जब चाहूँ स्ट्रिंग। अच्छा, टेक्स्ट को ना स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इसका क्या नाम है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, टेक्स्ट नहीं बोलूँगा मैं इसको। तो जब चाहूँ नंबर, जब चाहूँ स्ट्रिंग, इसको मैं सेव करवा के दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं बुक में आगे क्या है। अच्छा, अब मैंने बोला माई नम इक्वल्स टू माई नम प्लस 24, और माई नम को मैंने दोबारा से क्या करवा दिया, कॉन्सोल भी करवा दिया। अब माई नम में इस वक्त मौजूद है हेलो, मैंने कहा प्लस 24, अब हेलो में 24 कैसे प्लस होगा, क्या यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए? हेलो के साथ 24 लिखा आ जाएगा, एक दोस्त बता रहे हैं। अच्छा, नंबर के साथ जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो नंबर के साथ क्या होगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। सॉरी, ये स्ट्रिंग के साथ कोई भी आप चीज़ प्लस करेंगे तो वो कॉनकैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर होता, दोनों साइडों पे नंबर होते तो क्या होता, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता। ठीक है, सम हो जाता। लेकिन अगर दोनों में से एक साइड पे भी अगर आपके स्ट्रिंग है तो वो उसको क्या करेगा, कॉनकैटिनेट कर देगा बजाय सम करने के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, अल्लाह का शुक्र है यार हमारे से यहाँ पर हैं। हाँ बस यार, मैं तो अभी 11 बजे फ्री होऊंगा, क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं गुलशन में ना, तो चल सही है, मैं ज़रा यहाँ से फ्री होके ना मैं उधर आता हूँ, तो फिर उधर आके फिर कॉल करता हूँ, देखता हूँ फिर चार फूट नहीं, 11 तो मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं उधर 12:15 से पहले नहीं पहुँचूँगा यार। सही है, अल्लाह। अच्छा भाई, तो ये जो है ना कॉनकैटिनेट कर देगा इसको। अच्छा, यहाँ पे आके ज़रा देखते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, हेलो 24 बन गया, ये कॉनकैटिनेट हो गया। अच्छा, अब मैं जाके इसमें बोलता हूँ माइनस, अब क्या होगा, एक तरफ हेलो है, मतलब एक वेरिएबल एक तरफ है, उसमें हेलो सेव हुआ हुआ है स्ट्रिंग, दूसरी तरफ है नंबर, और माइनस हो रहा है आपस में वो, अब होना क्या चाहिए इसमें? यहाँ पे जाना। अच्छा देखो, यहाँ पे गौर करना हो क्या रहा है। देखो, मैंने कहा माइनम माइनस 24, अब इसका जो भी रिजल्ट होगा ना वो कहाँ चला जाएगा, माइनम में वापस चला जाएगा। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो ये एक लाइन लिखी हुई है ना, एक लाइन जिसको मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको एक एक लाइन करके पढ़ेगा, इसका जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में, स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, वन स्टेटमेंट, लाइन नंबर 28 पे जो बात लिखी हुई है ये क्या है, वन स्टेटमेंट है ये। ठीक है,
अच्छा ये जो स्टेटमेंट है, एक तो मैंने ये देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेगा, एक एक लाइन करके एक एक स्टेटमेंट पढ़ेगा, उसके बाद एक स्टेटमेंट को कहाँ से पढ़ेगा, राइट से पढ़ेगा कि लेफ्ट से पढ़ेगा? इस स्टेटमेंट को ये पढ़ेगा राइट से, मेरा राइट आपका भी राइट, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका भी राइट है, यानी कि इस तरफ से पढ़ेगा, ठीक है? अच्छा इस तरफ से जब ये पढ़ेगा तो पहले ना इसको ये सॉल्व करेगा, ये हम आगे चल के देखेंगे कि, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक जुमला बोल रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट को ये इधर से पढ़ेगा, तो मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है इसको अपोजिट उधर से पढ़ेगा, ये हम डिस्कस करेंगे जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, उस वक्त ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालेगा ये, ठीक है? अगर तो जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था ना, हेलो 24 आ गया था, तो हेलो 24 कहाँ गया? माई नम में। अच्छा इस पॉइंट तक क्या था, माई नम की जो वैल्यू यहाँ पे सेव हुई थी, इस पॉइंट तक क्या था कि माई नम की जो वैल्यू यहाँ सेव हुई थी ना वो उसको मिल रही थी और उसने 24 प्लस किया उसके साथ। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे से जो रिजल्ट निकला वो उठ के कहाँ चला गया? माई नम में। तो इसका मतलब है माई नम की ओरिजिनल वैल्यू अब रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है? जो पहले था उसको रिप्लेस कर देगा, वही वेरिएबल में अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है? तो ये भी एक अप्रोच है। अच्छा इस केस में इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो एक एरर होगा, ठीक है? और उस एरर का नाम होगा एन ए एन, नॉट अ नंबर, ठीक है? वो नॉट अ नंबर कहाँ जाके सेव हो जाएगा? माई नम में। और जब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा माई नम को तो वो उसमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं जनाब ऐसा ही होता है कि नहीं होता, ठीक है? ये एन ए एन यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा एन ए एन एक खास किस्म की वैल्यू है, हर एरर इस तरह का नहीं होता। आमतौर पर जावास्क्रिप्ट में एरर आता है, लाल रंग की एक पट्टी आ जाती है, कोड बंद हो जाता है पूरा, कोड चलता ही नहीं आपका, ठीक है? लेकिन ये खास किस्म का एक एरर है, ठीक है? जो सिर्फ इस सूरत में आएगा जब आप नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे ना, जब आएगा, ठीक है? खास किस्म का एरर है ये। अच्छा तो ये हमने देख लिया भाई कि स्ट्रिंग के साथ माइनस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, प्लस भी नहीं हो सकता, वो उसको कॉन्कैटिनेट समझेगा, अगर प्लस करेंगे तो कॉन्कैटिनेशन समझेगा उसकी। अच्छा मैं इसको वापस प्लस कर देता हूँ, और वापस प्लस करने के बाद मैं यहाँ पे एक और प्लस लगा देता हूँ 3। अब मुझे कौन बताएगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? हेलो 25 कैसे यार? हेलो 27। अच्छा कितने लोगों का ख्याल है कि हेलो 27 सही है? नहीं एन ए एन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी तो प्लस है इसमें, है? टू फोर थ्री, हेलो 243 या जस्ट 243? अच्छा देखते हैं भाई, हेलो 243 आ गया, कैसे हुआ ये? अच्छा ये समझने के लिए ना आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस समझनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज बस इतना समझ लें कि नंबर के साथ जब ये 24 प्लस हुआ ना तो वो दोनों क्या बना, उसका जो रिजल्ट था वो स्ट्रिंग था। अच्छा फिर उसी स्ट्रिंग में 3 प्लस हुआ तो वो भी कॉन्कैटिनेट हुआ, सही है? इस वजह से वो सारा कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है आपस में। अच्छा अगर इससे मुझे बचना हो तो इसमें मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। ब्रैकेट जो मैथ अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है किसी ने तो मैथ में भी ना इत्तेफाक से इसी तरह होता है ये काम कि जो काम पहले करना हो तो उसमें ब्रैकेट लगा दो। वैसे मैथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोग्रामिंग का मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। जो लोग कहते हैं ना प्रोग्रामिंग के लिए मैथ आनी चाहिए, बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है? मैथ वैथ की कोई इससे दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, ठीक है? प्रोग्रामिंग जो अप्लाइड प्रोग्रामिंग है
उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो इत्तेफाक से लेकिन मैथ में भी ये काम इसी तरह होता है। मैंने बोला कि भाई ये माई नम के साथ ना ये जो ऑपरेशन होगा पूरा, इसमें पहले 24 और 3 को पहले प्लस करो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ करोगे, तो अब क्या होगा, ये दोनों सम होंगे आपस में क्योंकि दोनों जाहिर है नंबर है, फिर उसके साथ जो है ना ये नंबर के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अब हेलो 27 आया मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, मेरा ख्याल है हमने ये छोटी मोटी चीज़ें सारी कर ली हैं, और ज़रा बुक में देख लेते हैं कुछ हमने छोड़ा तो नहीं है। है हमारे पास अभी 10-15 मिनट हैं, आते भी तो 15 मिनट लेट हो ना तुम लोग, हैं नहीं 15 मिनट लेट नहीं आते। अभी अटेंडेंस में टाइम भी आता है साथ साथ, जो टीट होता है ना टाइम भी आ रहा है साथ में। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें मैं देख रहा हूँ चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ तो नहीं दिया। अच्छा, अब थोड़े से ना रूल रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल का नाम ना कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ में आए, ठीक है। जो वैल्यू आप उसके अंदर रखने जा रहे हैं वो वैल्यू जो होगी ना उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यूज़र से उसकी बर्थडे इनपुट ले रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे वेरिएबल का नाम, यूज़र बर्थडे, ठीक है, ये आप लिखेंगे। और इस तरह आपने उसमें डेट ले लिया, ठीक है, ये आप मिसाल के तौर पे बंदे का रोल नंबर ले रहे हैं। आप कोई ऐसी चीज़ बताओ टिपिकल सी, विड्रॉ कर अमाउंट अगर आप ले रहे हैं, अमाउंट ना 3-4 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, रिटर्न अमाउंट, ठीक है। कोई बंदा शॉपिंग, जैसे आप ये इम्तियाज़ में गए, आप निकल रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं, तो वो जो पर्ची बनाते हैं ना उसने कहा भाई 3585 का बिल हो गया आपको, आपने उसको 5000 का नोट दिया, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि इतने दिए थे आपने, रिटर्न पैसे इतने हुए हैं आपके, ठीक है। उससे होता ही है कि ऑपरेटर को दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये आप 3 वेरिएबल मुझे बनाने हैं, नंबर 1 बिल कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा बिल, बिल अमाउंट। अच्छा, बिल अमाउंट के साथ साथ में मैं करेंसी भी लगाऊंगा क्योंकि सम टाइम दूसरी करेंसी में भी डील हो सकता है अगर इंटर कॉन्टिनेंटल स्टोर है कोई, तो मैंने कहा बिल अमाउंट इन USD, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन है, आप पाकिस्तान में भी खोलेंगे ना तो इंटरनली वो USD में ही देख रहा होता है, वो कन्वर्जन करके दिखा रहा होता है। मैंने कहा भाई बिल अमाउंट इन USD 100। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा लेट, अब बंदे ने पैसे कितने दिए, ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट बोलेंगे उसको शायद, अमाउंट इन PKR, ठीक है, क्योंकि बंदा डिपॉजिट PKR में कर रहा है, कन्वर्जन करके कुछ हो रहा है अंदर। अच्छा, फिर मैंने उसको बोला कि रिटर्न अमाउंट, ठीक है। अब रिटर्न अमाउंट जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा किसी ना किसी तरह। अच्छा, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं, लिटरल नहीं है एग्जांपल्स ये। अब इसमें ना 2-3 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि नाम थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन नाम इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ ना, माई नम लिखा हुआ है, ठीक है, सम लिख दिया, या ABC ऐसे XYZ करके वेरिएबल बनाते हैं जो, तो इसके बारे में एक प्रोग्रामर था कोई, वो एक दफ़ा कोई सॉफ्टवेयर बना रहा था तो उसने एक वेरिएबल का नाम रखा, सही है, उसमें कुछ वैल्यू सेव करवा दी, बहुत सारे वेरिएबल बनाए उसने, बहुत सारे वेरिएबल के नाम रखे। तो जब वो वेरिएबल के नाम रख रहा था तो सिर्फ उसको पता था कि वो वेरिएबल किस चीज़ के लिए बना रहा है, ठीक है।
और उस वेरिएबल का मतलब क्या है, उस वेरिएबल में वो क्या वैल्यू रखवाना चाहते हैं, वो सिर्फ उसी को पता था, किसी और को ये बात नहीं पता थी। अच्छा, 3 महीने बाद जब उसने उस सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी थी, उसने जब दोबारा खोला तो फिर उसने बोला कि सिर्फ अल्लाह को ही पता था कि मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया, सही है, अब उसको भी नहीं पता। तो सही है, इस चीज़ से बचने के लिए, अब भाई उसको पता ही नहीं चल रहा ये वेरिएबल बनाया क्यों था, अब वो पूरा पीछे तक जाएगा, कोडिंग को समझेगा, देखेगा कि अच्छा यार पीछे क्या हुआ हुआ है, अच्छा ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है, वेरिएबल का नाम रेलेवेंट रखना है। दूसरी बात ये, जब नाम वेरिएबल का लंबा होगा थोड़ा, तो आप नोट करें, मैंने ना यहाँ पे एक खास अप्रोच अख्तियार की है जिसमें पहला लेटर मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक अदद, इसका फ़ायदा बताना चाह रहा हूँ असल में मैं, अच्छा अब मैं यही चीज़ थोड़ा लिखता हूँ मुख्तलिफ अंदाज में, अब इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा रीडेबल है, ठीक है, नीचे वाला ज़्यादा रीडेबल है, इस अप्रोच को हम कहते हैं कैमल केस। ये क्या चीज़ है, नेमिंग कन्वेंशन है, ये क्या चीज़ है, नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन एक अंडरस्कोर वाला भी है, एक कैपिटलाइज वाला, बहुत सारे अलग अलग हैं, ठीक है। एक वो आप गूगल कीजिएगा तो लिस्ट आ जाएगी 4-5, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये वाली है। कन्वेंशन क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है, व्हाट इज़ अ कन्वेंशन, हाँ ऐसे ही अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दूँ, मुझे आवाज़ नहीं तुम्हारी आई, मैं किसी और बात पे मुस्कुरा रहा था। उसको भी कहते हैं कन्वेंशन, लेकिन कन्वेंशन का मतलब असल में वो नहीं होता है। आसान लफ्जों में समझाता हूँ कन्वेंशन, सही है, सब लड़के बैठे हैं यहाँ पे, अच्छा अच्छा चलो लड़कों वाली नहीं देता एग्जांपल, जर्नल वाली दे देता हूँ। अच्छा, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो गाड़ी के साथ पे चलाते हो, लेफ्ट पे चलाते हो, राइट पे चलाते हो, बाइक लेफ्ट पे चलाते हो, राइट पे भाई बाइक चला रहे हो रोड पे, लोगों को मारने निकले थे, हाँ भाई लेफ्ट पे चलती है राइट पे, अच्छा नहीं अगर अगर पतला सा रोड है, कोई पतला सा रोड है, सामने से भी एक बाइक वाला आ रहा है, आप भी जा रहे हो, वहाँ पे दो ही बाइक की जगह है, तो अभी तुम लेफ्ट पे होगे कि राइट पे होगे, उसको आधे बंदे राइट बोल रहे हैं, अच्छा आमतौर पे होता ही है, अगर आपको थोड़ा सा भी ड्राइविंग का पता है तो आप लेफ्ट पे हो जाते हो, सही है, आप अपने लेफ्ट पे हो जाते हो, वो अपने लेफ्ट पे हो जाता है, तो दोनों आप आराम से पास हो जाते हो, सही है, ये कन्वेंशन है। इस पे आपको कोई कच्चा रोड है, कोई दूर पुलिस भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा, ये कन्वेंशन है, लेकिन दोनों को पता है मुझे लेफ्ट पे होना है अपने अपने, कन्वेंशन है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अब मिसाल के तौर पर अभी तुम में से लड़के होंगे बहुत सारे, साइडिंग की भी होगी, ठीक है, तो कन्वेंशन बना लेते हैं कि मैं आऊँगा, 2 बार हॉर्न देके मैं चला जाऊँगा, ठीक है, ठीक घड़ी देख के 5 मिनट बाद दोबारा आऊँगा, निकलने और शॉर्ट होना है, ठीक है, तो ये कन्वेंशन सेट हो गया ना। अभी ये बात उसको भी पता है, तुम्हें भी पता है, दोनों को पता है, एक रूल सेट कर लिया, तो जो कन्वेंशन होता है ना, जो बहुत सारे इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जो कन्वेंशन करती हैं, वो भी असल में यही होती है कि एक खास चीज़ की याद दहानी होती है, कि वो ताकि सारे लोग सेम पेज पे आ जाएं, ठीक है, बहुत सारे वो
तलबा कन्वेंशन होता है, सही है, अल्लामा इकबाल के दिन में भी कन्वेंशन होते हैं, तो मकसद ये होता है कि अल्लामा इकबाल ने जो बातें बताई हैं ना वो उसको भूलें ना, वो उसको दोबारा रिवाइज कर लें, सारे लोग सेम पेज पे आ जाएं, तो इसलिए वो कन्वेंशन होती हैं। अच्छा, अब एक बात और है आखिरी, वेरिएबल का क्या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं? ये तो इतना बड़ा मैंने नाम रख दिया बेवकूफ़ी का, ठीक है, समझाने के लिए रखा है आप लोगों को, तो क्या मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ वेरिएबल का? जी जो क्या होते हैं, हाँ जो कीवर्ड, बहुत अच्छा आपने बताया, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो पहले से कीवर्ड मौजूद हैं उन कीवर्ड्स का आप नाम वेरिएबल का नहीं रख सकते, लेट के नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, वरना आप क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे आपने, ये एरर है, ठीक है, जो पहले से कीवर्ड है उसका आप नाम नहीं रख सकते। और आप ये बुक में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस हुआ है कि 4 में डिस्कस हुआ है लीगल एंड इन लीगल वेरिएबल नेम्स, सही है। अच्छा, आप वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, मैं नंबर लिख दूंगा ना शुरू में, एरर आ गया, ठीक है, नंबर से शुरू नहीं कर सकते, मैं बाद में नंबर दे सकता हूँ, वेरिएबल के दौरान मैं नंबर दे सकता हूँ, शुरू नहीं कर सकता नंबर से लेकिन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्या मैं स्पेशल कैरेक्टर लगा सकता हूँ, एट द रेट लगा दूँ वेरिएबल के नाम के बीच में? सिर्फ दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो मैं लगा सकता हूँ, नंबर एक है अंडरस्कोर और नंबर दो है डॉलर, ठीक है, क्योंकि डॉलर का माना है ना, डॉलर तो लगाना पड़ेगा फिर, सही है, तो दो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैं इसमें लगा सकता हूँ, अंडरस्कोर और डॉलर, उसके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सारे इलीगल हैं इसके अंदर, वो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल का नाम कितने कैरेक्टर तक का हो सकता है आप लोगों के ख्याल में? अभी तो मैंने कोई 25 कैरेक्टर लिख दिए हैं, 25-30, अभी मैं और अगर लंबा कर दूँ इसका नाम, ये मैंने काफ़ी लंबा नाम रख दिया एक वेरिएबल का, तो क्या ये लीगल है? ये बिल्कुल लीगल है, आपको जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं बोलेगा, आप पूरा 4 पेज का मजमून लिख देंगे ना नाम के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट जब भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मतलब 5000 कैरेक्टर का नाम रख दें आप वेरिएबल का, जावास्क्रिप्ट के लिए परफेक्टली ओके है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर हम इतना लंबा नाम रखने की कोशिश नहीं करते, आमतौर पर हम ऐसा नाम रखते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, आमतौर पर हम ऐसी कोडिंग करने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। अगर हम ये हरकत करना शुरू कर दें तो फिर होगा क्या, तो फिर होगा ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का मकसद फौत हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई थी, कि बाइनरी में हमें कोड ना लिखना पड़े, है ना, बाइनरी में ना लिखना पड़े, क्योंकि मुश्किल है वो भाई, ये वाला है थोड़ा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है। अब एक अंग्रेजी में मुहावरा है कि चिंपैंजी कैन ऑल्सो राइट कोड, लेकिन चिंपैंजी के कोड में और एक ह्यूमन के कोड में फ़र्क क्या है, कि ह्यूमन का कोड जो होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, एक प्रोग्रामर होता है, उसकी जो वर्थ होती है वो इसी वजह से होती है कि वो एक क्लीन कोड लिखता है, नीट एंड क्लीन कोड लिखता है, जो कि बाद में दूसरा ह्यूमन बैठे तो उसको समझ में आए, ठीक है, और जो क्लीन कोड लिखने वाले डेवलपर्स हैं आमतौर पर उनको पसंद किया जाता है, ठीक है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि अच्छा यार ये कोड बहुत क्लीन लिखता है। अच्छा, और सम पॉइंट्स पे क्या होता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को बिड करते हैं फ्रीलांस में या कहीं जॉब पे जाते हैं आप, तो आपका जो पोर्टफोलियो देखेगा ना वो उसमें कोड चेक करता है आपका, वो अगर आपका कोड बहुत गंदा लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंडेंटेशन भी सही से नहीं हुई भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको हायर ना करे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो शुरू से आदत डलती है, एक बार ख़राब हो गई सही नहीं होती, ठीक है। वी एस कोड में एक अच्छा ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे आप और ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का बटन दबा देना है आपने, तो इंडेंटेशन खुद ही हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएं या कोड अपना गिटहब में पुश करें तो राइट क्लिक करके ना यहाँ पे ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का बटन एक बार प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोड आपका इंडेंट हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। इंडेंटेशन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, वेरिएबल का नाम, कोड को ऑर्गेनाइज करने का, फिर कोडिंग की अप्रोच, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लीन कोड में शामिल है, वो हम वक्त के साथ साथ थोड़ा डिस्कस भी करते जाएंगे अपनी क्लासेस में। अच्छा, अब आपको हमारे दोस्त बताएंगे अगली क्लास का आपका असाइनमेंट क्या है कोई असाइनमेंट रेडी है? बस तुम बता दो, बेसिक सही होगा।
अच्छा ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, और ये जो है ना आपको गिटहब में, नहीं नहीं ये गिटहब में आपको एक्सेस दे देता हूँ मैं, गिटहब में ना आपने आज की जो क्लास है वेरिएबल्स, इसके अंदर आपने बनाना है रीडमी डॉट एम डी, और इसमें ये लिख देना है आपने। मैं इनको बता रहा हूँ ना, तुम्हें क्यों आई है, पीडीएफ डाल देना, अपलोड कर देना इसके अंदर असाइनमेंट डॉट पीडीएफ करके ना, इसमें इंडेक्स के साथ अपलोड मार देना। तो आप लोग के लिए मैं अपना 3-4 चैप्टर के मैं असाइनमेंट्स डालूंगा, और ये आप लोग को कल नहीं बल्कि परसों जब क्लास होगी तो ये 4 के 4